उधर तो बंद है ना, उधर बंद है ना, उधर बंद है ना, तो बुरा हुआ कुछ तो। हेलो हेलो हेलो, तो कौन सा रहे हैं? प्लीज स्टैंड बाय। हेलो काशिफ, गोइंग टू बी स्टार्ट, प्लीज स्टैंड बाय। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। वतन से दूर हम वतनों के साथ याद रफ्तगान के प्रोग्राम में खुसूसी नशरियात जो हमने कल से शुरू किया है, आज हम खराज अकीदत पेश करते हैं जनाब मरहूम कल्ब सादिक साहब को, और सूरह यासीन की तिलावत हो चुकी है। आगाज कर रहा हूँ मैं लेकर खुदा का नाम, आगाज कर रहा हूँ मैं लेकर खुदा का नाम, बादस खुदा है सबसे बड़ा मुस्तफ़ा का नाम, फिर मोहतरम है फातिमा और मुर्तज़ा का नाम, आता है फिर जनाब हसन मुश्तबा का नाम, बुनियाद ला इलाह जो आली मुकाम है,
पढ़िए दुरूद मिलके, हुसैन उसका नाम है, बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात मोहम्मद वाले मोहम्मद। मेरे मोजिज मेहमान नाने ग्रामी तकरीबन मौजूद हैं, मैं मुंतजिर हूँ उस खान वादे का जिसके लिए हमने ये प्रोग्राम मुरतब किया है, और उसमें जनाब नजमुल हसन साहब मौजूद हैं यहाँ पर, उनके साहबजादे जनाब कल्ब सिप्तैन साहब का इंतज़ार है, और उनके ब्रादर नस्बती जनाब खुर्शीद रजा साहब का इंतज़ार है। क़िबला काबा मौलाना मोहम्मद हुसैन जैदी साहब हमारे सरपरस्त मौजूद हैं, जनाब अजमाल नकवी साहब आ चुके हैं, और प्रोग्राम हम शुरू करने में कोई दिक्कत नहीं है, इंशाल्लाह वो बीच में ज्वाइन कर लेंगे। रोज़े मैशर हो के हो फिशारे लहद, हर कठिन से कठिन राह सर हो गई। दीन दुनिया में वो सुरखुरू हो गया जब से उनके करम की नजर हो गई। शाहे कौनैन के दर का मैं हूं गदा, जिनके सदके में लाखों की बिगड़ी बनी। हो शिफा उनका दामन जो हाथ आ गया, चैन से जिंदगी फिर बसर हो गई। मैं इससे पहले के क़िबला काबा हुज्जतुल इस्लाम मौलाना सैयद सैयद हुसैन जैदी साहब से दरख्वास्त करूँ कि इस प्रोग्राम के इफ्तिताही तकरीब में अपने बयान से इसको प्रोग्राम को शुरू करें। मैं मुनासिब समझता हूँ यहाँ पर ये अर्ज करता चलूं, 2020 नहायत अहम और मशहूर हस्तियां हमसे जुदा हो गई। ये साल मुझे समझ में नहीं आता कि किस तरीके से इस प्रॉब्लम की निशानदेही की जाए, मगर नए साल की खुशियों के साथ साथ इसमें हर रोज गमे हुसैन। एक फ़ायदा हमें ये हुआ कि वर्चुअल प्रोग्राम जो हमारे दरमियान हुए उसमें जगह जगह हर घर में हर शहर में हर गाड़ी में ज़िक्र हुसैन मुस्तकिल हो रहा है। जिन बड़ी हस्तियों में तालिब अल्लामा तालिब जौहरी, अल्लामा जावेद जाफरी, डॉक्टर ज़मीर अख्तर नकवी और मौलाना मुंतज़िर अब्बास साहब क़िबला, कसीम अमरुही और हकीम उम्मत अल्लामा क़ल्ब सादिक़ साहब जैसे बड़ी हस्तियां हमसे जुदा हो गईं, परवरदिगार से दुआ है कि ये कमी जो हो रही है अल्लाह ताला की नज़र उन उलमा पर, उन दानिश्वरों पर, उन अदीबों पर पड़े कि वो हमें उनका रिप्लेसमेंट अगर नहीं तो कम से कम उनकी तरह हमारी सरपरस्ती करने वाले उलमा मिले। अल्लामा डॉक्टर क़ल्ब सादिक़ साहब उन नामवर हस्तियों में से हैं जिन्हें पूरी दुनिया जानती है, हर तबके ख्याल का मर्द उन्हें पहचानता है, औरतें उनके गिरविदा होती हैं। जिस तरह उनकी शोहरत शी दुनिया में है, इस तरह वह अहले खिदमत देवबंदी, अहले हदीस देवबंदी, बरेलवी सिख ईसाई और हिंदू मज़हब में भी मकबूल हैं, और अमन पसंद सुलह जो भाईचारा कायम करने वाले, तफरीक मिटाने वाले और इल्म दोस्त इंसान थे। इनका मिशन इल्म को आम करना और जहालत को मिटाना था, और मुख्तलिफ मज़ाहब और मसालिक के दरमियान हम आहंगी कायम करना था। इनकी आवाज़ में तवानाई और आहंग में बला की ताकत थी। कोई दूसरा जिस बात को एक घंटे में बयान करता, वो उसे 5 मिनट में बयान कर देते थे। मेरे साथ अल्लामा का जो साथ रहा और जिसने मुझे इतना मुतासिर किया कि मैं बहसियत एक इब्तदाई मजलिस में सोसानी उनके साथ करता था, वक्त के इतने पाबंद थे कि बाज़ वक्त
वो मुझसे कहते थे शामिया टाइम हो चुका है तो मैं पहले तकरीर कर लूँ और आप बाद में सोस्तानी कर लीजिएगा। और इस तरीके से उन्होंने मुझे मैसेज दिया कि मेरा प्रोग्राम अब कोई भी वक्त मुकर्रर से हट के नहीं होता। एक मैंने अपनी ज़िंदगी का वतीरा रखा कि महफिल शायख खुरासान में मजालिस उलमा हजरात मौलाना हजरात 9 बजे का टाइम, सोस्तानी में अगर मुझे देर हुई है तो मैंने अगर 15 मिनट की सोस्तानी करनी है तो 7 मिनट और 5 मिनट की सोस्तानी करके मौलाना को मिंबर पे मदु किया। ये मैंने अपना जाती तरीका बना लिया कि मौलाना की इस हिदायत पर अमल कर रहा हूँ और अमल पैरा हूँ। आज भी आपने देखा कि इस वक्त भी 11 बजे ठीक हमने प्रोग्राम शुरू किया, इसलिए कि यकीनन मैं समझता हूँ कि जहाँ जिक्र हुसैन होता है वहाँ अहले बैत आते हैं, और अब उस अहले बैत के जिक्र के लिए हमने जो बज़्म सजाई है जिसमें खराज अकीदत डॉक्टर कल्ब सादिक को देनी है, अगर उस पर हमने टाइम की पाबंदी न की होती तो वो मेरे लिए सही नहीं था। इससे पहले कि मैं मौलाना साहब जनाब सैयद मोहम्मद हुसैन जैदी साहब से दरख्वास्त करूं, मैं इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए काशिफ से लम्हों से दरख्वास्त करूंगा जो कनाडा से हैं और वो हमारे अदारे तरवीज सोस्तानी के एक अहम रुकन हैं, अच्छे साहिब ब्याज हैं, सोस्तानी करते हैं, मगर इस वक्त इस प्रोग्राम में मैंने उनसे दरख्वास्त की है कि वो इस प्रोग्राम को हमद बारी ताला से शुरू करें, जो ख़ुद भी शायर हैं, बेहतरीन आवाज़ के मालिक हैं। मैं दरख्वास्त करूंगा काशिफ नकवी से कि तशरीफ लाएं और अपने वीडियो को ऑन करें। प्रोग्राम तो आ रहा है, हो भी रहा है प्रोग्राम, पढ़ भी कोई रहा है? नहीं हो रहा पहले, अरे सब हो रहा है बेटा, प्रोग्राम शुरू हो रहा है, पढ़ तक तो कोई रहा नहीं है कहां से। अरे भैया हम आपको आए तो आवाज आ तो रही है, अब कोई पढ़ नहीं रहा, मैं क्या करूं? काशिफ साहब, काशिफ साहब जी, काशिफ सलमा आप मौजूद हैं? वो क्या सही है, आ रही है अम्मा, पूरी आ रही है। मुझे आप सब की आवाजें आ रही हैं, आप थोड़ा तवक्कुफ करें, सब जितने लोग भी इस वक्त प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं उनसे दरख्वास्त है माइक को बंद कर दें, इसलिए जिन लोगों को पढ़ना है, जिन लोगों को मैं कॉल करूंगा वो इसमें पढ़ेंगे, बाकी आप हजार सब सुने और माइक को अपने बंद कर। मैं बैठ के क्या करूं, अपना मोबाइल या तो दो, मैं क्या। मौलाना तिलमीजुल हसनैन साहब तशरीफ ला चुके हैं, जनाब काशिफ। सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह, ये काशिफ आपका इंतजार हो रहा है, मैंने आपका तारुफ करा दिया कि काशिफ हमारे इस बज़्म में हमदे बारी ताला से इस प्रोग्राम को आगाज कर रहे हैं, आपके माइक ऑन करें और बिस्मिल्लाह। माफ कीजिएगा, वो मैं डिस्कनेक्ट हो गया था तो मैंने कोई बात नहीं। तमाम हाजिरीन ने मजलिस को, तमाम नाज़रीन और नाज़रात को सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह व बरकातहू। अलैकुम सलाम रहमतुल्लाह। ये चंद अशआर हमद के पेश खिदमत हैं। कह दूं पूछे कोई कहां तू है, कह दूं पूछे कोई कहां तू है, तू वहां भी है और यहाँ तू है, फिक्रो विद्रा
इश्क में नहीं वुसअत, फिक्रो इदराक में नहीं वुसअत, अरे जो ये समझे कहाँ कहाँ तू है। जज़ाकअल्लाह जज़ाकअल्लाह माशाल्लाह। तो आपको क्यों बोलना है? मैं गुजारिश करूंगा वो हजरात जो इस वक्त अपने माइक को म्यूट नहीं कर सके, बराए मेहरबानी या तो बंद कर दें, इसलिए प्रोग्राम में डिस्टरबेंस हो रहा है। आपसे दरख्वास्त है कि जिनको पढ़ना है उनके माइक ऑन होंगे, बाकी मैं सब माइक बंद कर रहा हूँ, माजर चाहता हूँ। बिस्मिल्लाह। फिक्रो इदराक में नहीं वुसअत, अरे जो ये समझे कहाँ तू है। शेर देखिएगा कि लम्हे इस तरह के बस आए, हमसे राजी जहां तू है, हमसे राजी जहां तू है। आपकी आवाज नहीं आ रही, ये हो शुरू हो गया? आप मैंने भेजा सुबह जी। नहीं 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 नहीं, ऐसा शुरू हो गया, आप आ जाइए। इजाजत जी जी प्लीज। सब है महदूद सारे अर्ज़ो समा, सब है महदूद सारे अर्ज़ो समा, जो है बेहद वो आसमां तू है, जो है बेहद वो आसमां तू है। और शुक्र जितना भी हो तेरा कम है, शुक्र जितना भी हो तेरा कम है, खुलकते कुल पे मेहरबान तू है। क्या कहने, खुलकते में पे मेहरबान तू है, और हक ही तेरा है तू हिदायत कर, हक ही तेरा है तू हिदायत कर, अरे खालिके खालिको रब्बे इंसो जान तू है, खालिको रब्बे इंसो जान तू है। शे देखिएगा कि हम तो पुतले थे सिर्फ माटी के, हम तो पुतले थे सिर्फ माटी के, जिसने फूंकी थी हम में जान तू है, जिसने फूंकी थी हम में जान तू है,
और हर नफस हर कदम बनाम तेरे, हर नफस हर कदम बनाम तेरे, रे तू ही मंजिल है आस्ता, तू ही मंजिल है आस्ता, तू है मख्तार से के माना काशिफ ने कोई हाल भी हो, माना काशिफ ने कोई हाल भी हो, अमन ही तू है और अमां तू है, अमन ही तू है और अमां तू है, कह दूं पूछे कोई कहां तू है, तू वहां भी है और यहां तू है, पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجا حمد باری تعالی سے اس پروگرام کو کاشف نہ آداب عرض احتشام صاحب آپ میوٹڈ ہو گئے سوری کاشف سلامہ سلاموں سے ہم سن رہے تھے حمد باری تعالی اور یہ پروگرام وطن سے دور ہم وطنوں کے ساتھ یاد رفتگان جو آپ کے سامنے خصوصی طور سے جناب حکیم امت ڈاکٹر قلب صادق صاحب کے لیے منعقد کیا گیا ہے. ہم ممنون ہیں ان تمام سرپرستوں کے, علماء کے اور ثنا خواہ کے جنہوں نے اس میں شرکت کرنے کا وعدہ کیا اور وہ اب آنا شروع ہو چکے ہیں. میرے درمیان اس وقت دو ہستیاں موجود ہیں جن کو کہ میں نے شروع میں تعارفی پروگرام شروع کرنے کے لیے ان سے درخواست کی تھی. ایک کا تعلق اپنے ہندوستان سے اور دوسرے کا تعلق پاکستان سے. میں جب پروگرام کرتا ہوں تو مجھے بڑا دیکھنا پڑتا ہے کہ بیلنس پروگرام ہو, اس لیے کہ یہ پروگرام ملت جعفریہ کا پروگرام ہے اور یہ پورے بین الاقوامی سطح پر دیکھا جا رہا ہے. یوٹیوب پہ اس وقت 3 چینلز اس کو ریلے کر رہے ہیں. میں اپنے محترم سرپرست ادارہ ترویج سوسانی کے اور ہمارے خصوصی دوست جناب مولانا محمد حسین زیدی صاحب سے درخواست کروں گا کہ جنہوں نے اس پروگرام کو بنانے میں مجھے مدد کی اور جتنے بھی رابطے ہندوستان سے تھے وہ انہوں نے ان کے ذریعے سے میں نے کیے. اس وقت اس پروگرام میں مرحوم کے جو اعزاء موجود ہیں جس میں جناب نجم الحسن صاحب جو ان کے داماد ہیں وہ موجود ہیں, اور میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ جناب قلب سبتین عرف نوری صاحب جو ان کے فرزند ہیں اور برادر نسبتی جناب محترم خورشید صاحب وہ بھی کسی لمحہ اس میں داخل ہونے والے ہیں. میں ملتمس ہوں جناب مولانا سید محمد حسین زیدی صاحب اٹرنی ایٹ لا کہ وہ نمائندگی کریں امریکہ کے ملت جعفریہ کی طرف سے اور تعزیت پیش کریں. جناب محمد حسین زیدی صاحب. اللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فنصلی علی رسولہ الکریم والہ الطاہرین. اما بعد, بہت ہی تکلیف دہ بات یہ ہے کہ مولانا قلب صادق صاحب قبلہ جو حکیم امت کے نام سے بھی مشہور ہیں, ان کے انتقال فرملال کے وقت
हम लोगों को ये प्रोग्राम करना पड़ेगा और मैं इस सिलसिले में कुछ करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मैं उनके ख़ानदान को, उनके अहल आयाल को, कौम के अफराद को जो उनके दोस्त और उनके चाहने वाले हैं, उन तमाम हजरात को अपनी तरफ से, अपने खानवादे की तरफ से ताज़ियत पेश करता हूँ। और खुदावंदे आलम से ये दुआ है कि वो उनके खानवादे को सब अता करे। वहाँ कल भी सादिक साहब के कबला बहुत ही मशहूर इंसान हैं, दुनिया के कोने कोने में वो तशरीफ़ ले गए और वहाँ जाके उन्होंने इस्लाम के पैगाम को दुनिया वालों के सामने रोशनास किया या उसको फैलाया। बहुत ही मशहूर ये बात है कि वो जब भी अपनी तकरीर करते थे तो उसमें वो ये चाहते थे कि इल्म के ऊपर बात हो और कौम की इल्मी सतह बढ़ाई जाए। किसी भी शख्सियत के सिलसिले में कुछ बयान करने से पहले ये ज़रूरी है कि ये बताया जाए कि ये शख्सियत जो है इसे किस ख़ानदान से है, इसका क्या इल्मी सतह है और इसके क्या दुनिया में इसने क्या अचीव किया है और क्या लोगों को दिया है या दूसरों को देने की कोशिश की है। इन तीन हैसियतों से अगर आप देखिए तो मौलाना कल्ब सादिक साहब क़िबला एक खानवादे से ताल्लुक़ रखते थे जो मशहूर खानवादा है, खानवादा इज्तिहाद, ख़ानदान इज्तिहाद। और ये उसी सिलसिले की कड़ी हैं कि जिस सिलसिले को मरहूम व मक़फ़ूर अल्लामा दिलदार अली वफ़रमाआब ने शुरू किया था यहाँ लखनऊ में। और इस सिलसिले में उनका मशहूर इमामबाड़ा और इमाम बारगा वफ़रमाआब के नाम से मशहूर है। उसी ख़ानदान के एक फ़र्द हैं थे ये कल्ब सादिक साहब, मौलाना कल्ब सादिक साहब जो मौलाना सैयद कल्ब हुसैन साहब क़िबला मरहूम व मक़फ़ूर के ये औलाद में से हैं, जिनको कब्बन साहब के नाम से भी मशहूर किया है लोगों ने। और उसी खानवादे से ताल्लुक़ रखते हुए मौलाना कल्ब सादिक साहब ने अपने इल्मी मेयार को उसी तरह से बरकरार रखा। सुल्तान मदारिस में जिस वक्त मैं पढ़ता था उस वक्त भी मौलाना कल्ब सादिक साहब वहाँ पर थे और वो मुझसे सीनियर थे। और चूँकि ख़ानदानी ताल्लुकात और रवाबित थे इस लिहाज से हम लोग एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से जानते थे और बहुत अच्छी तरह से एक दूसरे से मिलते थे। कल्ब सादिक साहब ने खाली सिर्फ इल्मी हैसियत से तरक्की, मजहबी इल्मी हैसियत से तरक्की नहीं की और बल्कि उन्होंने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से जाके एमए भी किया और वहीं से पीएचडी भी किया और इसीलिए उन्हें डॉक्टर कल्ब सादिक साहब कहा जाता है। लेकिन सादिक भाई को, जिनको हम लोग सादिक भाई कहते हैं, मौलाना कल्ब सादिक साहब को, सादिक भाई ने अपना मतमय नज़र और अपना उफक काफ़ी वसी कर रखा था और उसकी वजह से उन्होंने न सिर्फ ये कि शिया कौम के लिए बल्कि आम तौर से जनरली आलम इस्लाम में अपने पैगाम को आम किया और तमाम मुसलमानों में रब्त व ज़ब्त पैदा करने की कोशिश की और नतीजा ये हुआ कि उनको आलम इस्लामी में काफ़ी इज्जत अता हुई और उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी तरक्की की। डॉक्टर कल्ब सादिक साहब जो ज़बान से कहते थे वो सिर्फ कहते ही नहीं थे बल्कि अमली तौर से भी उसके ऊपर अमल करते थे। सबसे अहम बात जो थी वो सादिक भाई की ये थी कि वो वक्त का बड़ा ख्याल करते थे। वक्त की बहुत अहमियत उनकी निगाह में थी। ये बात बहुत मशहूर है कि अगर ऐलान किया जाता था मजलिस का किसी वक्त तो ठीक उसी वक्त वो बैठ जाते थे, चाहे 2 आदमी हों चाहे 2000 आदमी हों, इसकी कोई परवाह नहीं करते थे कि इंतज़ार किया जाए और लोग आए तो वो मजलिस शुरू करें। और ये हकीकत है कि वक्त की अहमियत जिसने नहीं समझी वो नहीं समझ सकता कि दुनिया में उसकी इज्जत के लिए और तरक्की के लिए किस चीज़ को उसने अपने हाथ से दे दिया है। तो मौलाना कल्ब सादिक साहब मरहूम इस बात के लिए काफ़ी कोशिश रहते थे कि जो वक्त पर काम होना है वो वक्त पर काम हो और कोई 1 मिनट भी ज़ाय ना होने पाए। और किसी भी कौम की तरक्की के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वो वक्त के अहमियत का एहसास करें। मैं वाकई इस बात से बहुत मुतासर हूँ
کہ انہوں نے کبھی بھی اپنے وقت کو ضائع نہیں کیا. میری ان سے ملاقاتیں بھی ہوتی تھیں جب میں لکھنؤ جاتا تھا, اور وہ اس کا لحاظ رکھتے تھے کہ جو وقت مجھے دیا ہے اسی وقت پر میں پہنچ جاؤں اور ان سے بات چیت کروں, یا جس وقت وہ آنا چاہتے ہیں اسی وقت وہ تشریف لائیں. خاص طور سے یہ بہت اہم بات ہے کہ ان کے خاندان سے ہمارے بڑے اچھے تعلقات ہیں, میرے کافی اچھے تعلقات ان کے برادر نسبتی جناب خورشید رضا صاحب سے جو اس وقت موجود ہیں اس پروگرام میں, جن کو ہم لوگ گھر میں ان کے راجہ میاں کے نام سے یاد کرتے ہیں. تو وہ بھی ہیں, وہ میرے ساتھ کے پڑھے ہوئے بھی ہیں اور دوست ہیں میرے. اور اس کے علاوہ ان کے بڑے بھائی مولانا کلب عابد صاحب مرحوم, انہیں نے مجھے پڑھایا ہے, میرے استاد بھی ہیں اور مجھے اس کا شرف حاصل ہے. کلب عابد صاحب اللہ کی تینوں پہلو جو شخصیت کے تھے اس پر میں کیا عرض کروں, ان کی شخصیت اتنی واضح ہے اور اتنی مشہور ہے کہ اس کے سلسلے میں کچھ بتانا میرے امکان میں نہیں ہے. لیکن جس بات کو وہ کہتے تھے, جس بات کے لیے وہ لوگوں کو کے ذہن کو اجاگر کرتے تھے, اس بات پہ خود بھی عمل کرتے تھے, یہ سب سے بڑی چیز تھی. انہوں نے علم کے اوپر کافی مجلسیں پڑھیں اور علمی حیثیت سے قوم کی حالت کو بہتر بنانے کی کوشش کی, اور نتیجہ یہ ہوا کہ ایک وقت وہ آیا کہ انہوں نے توحید المسلمین کے نام سے ایک ادارہ قائم کیا اور اس ادارے سے کے تحت ایک کالج قائم کیا. یہ سب کو معلوم ہے کہ لکھنؤ میں وہ کالج کافی مشہور ہے, اور جو جس طرح سے کانوینٹ کالج غیر اسلامی کانوینٹ کالجز عمل کرتے ہیں, اسی طریقے سے یہ اسلامی کانوینٹ کالج ہے کہ جس میں ہر حیثیت سے بچوں کی ترقی اور بچوں کے ذہن کو وسعت دینے کی کوشش کی. صادق بھائی مرحوم کی اہمیت اس لیے بھی زیادہ ہے کہ بہترین مقرر تھے. جس طرح سے ان کے والد کی زبان میں سلاست اور بلاغت ہوتی تھی, اسی طریقے سے ان کی زبان میں بھی, ان کی تقریروں میں بھی کافی سلاست اور کافی ادبی حیثیت ہوتی تھی. چھوٹے سے چھوٹے جملوں میں کوشش کرتے تھے کہ زیادہ سے زیادہ مطالب کو پیش کر دیں. بہترین مقرر تھے, اور کبھی ان کی آواز کبھی تقریر کے دوران بھی زیادہ بلند نہیں ہوتی تھی, اور وہ ایک ہی بالکل جیسے لگتا تھا کہ ایک پانی کا بہاؤ ہے جو چلا جا رہا ہے, اور اسی طریقے سے ان کے یہاں سیلانی حیثیت ہوتی تھی. کافی ان کی مشہور تقریریں ہیں اور لوگ جانتے ہیں, کیونکہ امریکہ میں جگہ جگہ وہ آئے ہیں, دنیا میں ہر جگہ گئے ہیں, جہاں جس جگہ کال کیا اس جگہ معلوم ہوا کہ صادق بھائی وہاں ان لوگوں کے کافی قریب رہے ہیں, تو سب جانتے ہیں کہ کس طرح سے وہ تقریریں کرتے تھے اور ان کا کیا تقریر میں کیا خاص مقصد ہوتا تھا جس کو پیش کیا کرتے تھے. موضوع ان کا علم اور موضوع ان کا اتحاد ہوا کرتا تھا عام طور سے, جس پر وہ اپنی تقریریں کرتے تھے, اور اپنی زندگی میں بھی انہوں نے اس چیز کو مد نظر رکھا. واقعاً یہ بہت ہی بڑا نقصان ہے قوم کا کہ ایسی بڑی شخصیت قوم سے چلی گئی. یہ 2020 کا جو سن ہے اس میں کافی اہم شخصیتیں شیعہ قوم کی دنیا سے چلی گئی ہیں, اور ہماری یہ تہ دستی ہے کہ اب ہم میں اس طرح کے لوگ بہت مشکل سے پیدا ہوں گے. میں ان کے پورے خاندان کو, ان کے صاحبزادوں کو, کلب سبتین نوری صاحب کو, کلب حسین صاحب کو, کلب منتظر صاحب کو, اور ان کے گھر والوں کو دلی تعزیت پیش کرتا ہوں. اور میری مجھے اس بات کا شرف حاصل ہے کہ میں ان سے بھی قریب تھا, ان کے خانوادے سے بھی قریب تھا, اور کافی میرے تعلقات تھے, اور میں ان کو کافی قریب سے جانتا ہوں, کافی پہچان. محمد و آل محمد سے یہ دعا ہے کہ ان کے خاندان ان کے جیسے لوگ اور پیدا ہوں. یہ لفظ جو یہ جملہ جو ہے کہ موت العالم موت العالم, یہ حقیقت ہے کہ ایک عالم کی موت ایک عالم کی موت ہوتی ہے, کیونکہ ایک عالم اپنے علم کے ذریعے سے ایک پورا عالم پیدا کرتا ہے, ایک دنیا پیدا کرتا ہے, اور اس دنیا میں اچھے اچھے لوگ پیدا کرتا ہے. کلب صادق صاحب کے انتقال سے قوم کو جو نقصان ہوا ہے اس کا کوئی بدل نہیں ہو سکتا, لیکن یہ ضرور ہے کہ اس بات کی خواہش ہے کہ جو ان کی خواہشات تھیں, ان خواہشات کو جس کو انہوں نے اپنے وصیت نامے میں پیش کیا ہے, اس کو ضرور مد نظر رکھا جائے, اور قوم تعلیم و ترقی کے طرف مدارس پوری طرح سے آگے بڑھتی رہے,
और अपने को ये कौम जिसका बेसिक जो है बाबुल इल्म से है, जिसका मतमे नज़र मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की तालीमात पर मुनहसिर है, उसको ये चाहिए है कि वाकई इल्म में हैसियत से इतनी तरक्की करे कि दुनिया में यह कौम तनहा ऐसी हो कि जिसकी इतनी इल्मी मंजिलत हो कि जो किसी और की ना हो। तलब सदिक साहब को खिराज अकीदत पेश करने के लिए ये ज़रूरी है कि जो उन्होंने अपनी वसीयतनामे में ख्वाहिशात पेश की हैं उन ख्वाहिशात को पूरा किया जाए, और उन्हें इस सिलसिले में ख़ास तौर से ये बात कही है कि हर चीज़ बहुत सादगी से हो और हर चीज़ उनके सिलसिले में जो पेश की जाए मजलिस माता में जो भी हो उसमें सादगी हो, और यही वजह है कि उम्मीद है कि उनके खानवादा इस बात को पेश नज़र रखते हुए उनके उस इदारे की तरक्की में कोशिश रहेगा और उस इदारे को हर तरह से कामयाब करने की कोशिश करेगा, और वाकई मोहम्मद वाली मोहम्मद उनके ख़ानदान को सब्र की ताकत अता फरमाए कि ऐसा अजीम इंसान इस दुनिया से उठ गया जिसकी मिसल दुनिया में कम है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। जज़ाकअल्लाह तबला, बहुत खूबसूरती से आपने मेरे मसाइल हल कर दिए, इसलिए कि मैं समझ रहा था कि इसके लिए ज़रूरी है कि आप या सैयद तिलमीज़ुल हसनैन साहब जैसे उलमा जो हमारे साथ हैं वो उन पर रोशनी डालें। मेरे दरमियान इस वक्त तिबला तशरीफ़ ला चुके हैं मौलाना डॉक्टर सैयद तिलमीज़ हसन रिजवी साहब, और वो मौजूद हैं। मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा कि वो भी अपने ख्यालात का इजहार करें, मगर उससे पहले चंद अशार आपके खिदमत में पेश खिदमत है। दिल पे हैं दागे गमे सिबते पैंबर कब्र में, दिल पे हैं दागे गमे सिबते पैंबर कब्र में, देखता हूँ मैं ज़ियाए माहो अख्तर कब्र में, था जो शौके रोज़े सिबते पैंबर कब्र में, खुल गए मेरे लिए फिरदौस के दर कब्र में, सामने मेरे है क्या दिलचस्प मंजर कब्र में, सामने मेरे है क्या दिलचस्प मंजर कब्र में, देखता हूँ रोज़े सिबते पैंबर कब्र में, कोई रोजन है न तकिया है न बिस्तर कब्र में, कोई रोजन है न तकिया है न बिस्तर कब्र में, सोने वालों तुमको नींद आती है क्यों कर कब्र में, याद आई होगी जब आगोश मादर कब्र में, करवटें ले लेके मछले होंगे असगर कब्र में, आज शमे खाने दिल से है तवल्लाए अली, कल जिला देगी जियाए हुब हैदर कब्र में, जिंदगी में था मेरी दिल को जो इश्क़े बुतराब, मर के पाई राहत आगोश मादर कब्र में, मौत ने शाहो गदा में कुछ न रखा इम्तियाज, कर दिया ले जाके दोनों को बराबर कब्र में, मुनअमो कर लो जो कुछ करना हो इशारो करम, काम आएगा न ये गंजी नए जर कब्र में, मुल्क गिरी शोरे आफाक है उसकी मगर, हसरतें लेकर गया फिर भी सिकंदर कब्र में, चूम कर सीने को मेरे फिर गए मुनकिन नकीर, देख कर दागे गमे शब्बीर दिल पर कब्र में, एच है सब झोंपड़ा हो या के सोने का महल, एक दिन सोना है गाफिल छोड़ कर घर कब्र में, वाह जज़ाकअल्लाह। निघते गुल की तरह फैली है बुए बूतराब, क्यों न हो मेरी दिमागो दिल मुअत्तर कब्र में, और मेरे मेरे दिल में जलवागर हैं सूरते शम्सो कमर, रूज शब दागे गमे शब्बीर शब्बर कब्र में, है सरे बाली अली और पाए थे मुनकिर नकीर, नाज करता हूँ मैं अपनी मंजिलत पर कब्र में, किसको दिखलाती है अपना रोब ईजाए फिशार, हैदरी हूँ मैं नहीं रहने का दबकर कब्र में, मुल्क तो गैरों ने पाया आप दुनिया से गया, मुल्क गिरी की हवस लेकर सिकंदर कब्र में, और चादरे गुल कब्र पर लाकर चढ़ाई भी तो क्या, चादरे गुल कब्र पर लाकर चढ़ाई भी तो क्या, बिस्तरे गुल हो नहीं सकता मुयसर कब्र में,
بہر مداح علی لائے گا رضواں خلد سے چادر گل قبر پر پھولوں کا بستر قبر میں. خوف ناک ہے تجھے عذاب قبر کا, آئیں گے تیری مدد کرنے کو حیدر قبر میں, آئیں گے تیری مدد کرنے کو حیدر قبر میں. میں درخواست کروں گا جناب حجت الاسلام والمسلمین مولانا ڈاکٹر تلمیز الحسنین صاحب کا رضوی کا کہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات سے اس خانوادے کو پرسا, قوم کو پرسا اور اہلیان نیو یارک نیو جرسی امریکہ کے عزاداروں کی طرف سے ان کو پرسا دیں. بر محمد و آل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل قول. یا برادرم شام نقوی صاحب, اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفا والسلام علی عباده الذین اصطفا, اما بعد, فقال اللہ وقوله الحق وصدق القائلین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. سامعین ذوی الاحترام, جہاں جہاں لوگ سن رہے ہیں, سب سے پہلے تو میں یہ جو ہم سے ہمارے محترم رخصت ہو گئے, جنہیں جو ہمارے عزیز تھے, جن کا ہم سے بہت دیرینہ تعلق تھا, اور ان کے جانے سے واقعی ایک ایسا خلا پیدا ہوا جو پر نہیں ہو سکتا. میری مراد جناب علامہ ڈاکٹر کلب صادق صاحب سے ہے. میں ان کے خانوادے کی خدمت میں اس موقع پر تعزیت پیش کرتا ہوں اور پوری امت مسلمہ کے خدمت میں تعزیت و تسلیت پیش کرتا ہوں. مجھ سے پہلے ہمارے برادر عزیز جناب اٹرنی محمود حسین زیدی صاحب قبلہ نے بڑے خوبصورت انداز میں ان کے بارے میں گفتگو کی, اور حقیقت یہ کہ صدمہ ناقابل برداشت ہے. میں نے جس آئے وافی ہدایہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے, اس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ اے نبی آپ فرما دیجئے, هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون, کیا وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں اور جو علم نہیں رکھتے کیا دونوں برابر ہیں؟ یہ وہ آیت ہے جس میں سوال بھی ہے اور جواب بھی ہے. سوال ہے کہ کیا برابر ہیں, اور جواب یہ کہ برابر نہیں ہیں. صاحبان علم کو فضیلت, عظمت, شرف حاصل ہے, اور اسی لیے یہ کہا جاتا ہے کہ موت العالم موت العالم. جب ایک عالم دنیا سے جاتا ہے تو ایک عالم نہیں مرتا ہے بلکہ پوری کائنات مر جاتی ہے, کیونکہ اس کے جانے سے ایسا خلا پیدا ہوتا ہے جسے کوئی پر نہیں کر سکتا. میرے ان سے بہت قدیمی مراسم تھے, اور میں اس طرح کہوں کہ وہ اگرچہ انہوں نے سلطان مدارس سے درس حاصل کیا, اور یہی ادارہ وہ تھا جس میں میرے والد نے بھی 1923 میں صدر الافاضل وہاں سے کیا تھا, اور میں تو پاکستان آ گیا تھا, لیکن ایک لحاظ سے میں ان کو اپنا کلاس فیلو کہتا ہوں, اور اس کے ایک توجیہ پیش کر رہا ہوں جو آپ سنیں. مولانا رضی جعفر صاحب کے بڑے بھائی مولانا آغا جعفر صاحب, جو مولانا علی حیدر صاحب اصلاح کھجوہ کے فرزند تھے, وہ ان کے کلاس فیلو تھے, اور وہاں سلطان مدارس میں ان کے ساتھ پڑھتے تھے. جب وہ پاکستان مائگریٹ کر کے آئے تو 1956 اور 57 میں وہ میرے ساتھ پڑھتے تھے, اور مولوی فاضل میں ہم دونوں ساتھ ساتھ ہم نے امتحان دیا تھا. تو اس لحاظ سے میں یہ شرف مجھے حاصل ہو گیا کہ جب وہ آغا جعفر کی کلاس فیلو تھے اور آغا جعفر میرے کلاس فیلو تھے, تو اس نسبت سے اگر منطقی لحاظ سے دیکھیں تو میں انہیں اپنا کلاس فیلو تصور کرتا ہوں, اگرچہ وہ علم میں نہایت افضل تھے, اعلیٰ تھے. جب میں لکھنؤ گیا تو انہوں نے خود اپنی وہ پی ایچ ڈی کی ڈگری, میں نے خواہش کی کہ جس ٹاپک پہ کیا ہے وہ دکھائیں, تو انہوں نے مجھے دکھایا, اور بہترین ظاہر ان کی تحقیق بڑی اعلیٰ اور عرفہ تھی. حیثیت انسان اگر دیکھا جائے تو ایسا انسان واقعی ملنا بہت مشکل ہے اور دشوار ہے کہ ایسا انسان نہیں مل سکتا. بحیثیت انسان انہیں دیکھیں,
उनके खानवादे को देखें तो ख़ानदान इश्तहाद था, जैसा कि आपने सुना उफरान माप से ताल्लुक़। और मौलाना कलबे हुसैन साहब क़िबला, जिन्हें कब्बन साहब के नाम से याद किया जाता है, हैदराबाद सिंध जब वो तशरीफ़ लाए थे पाकिस्तान में, तो मुझे उनकी खिदमत का शरफ़ हासिल हुआ था। और जब उनके डॉक्टर कलबे सादिक के बड़े भाई मौलाना कलबे आबिद साहब क़िबला पाकिस्तान तशरीफ़ लाए, और हैदराबाद में जब आए, मैं यहाँ रहता था, तो शरफ़ हासिल हुआ कि वो मेरे घर तशरीफ़ लाए और वहाँ पर मिला। इसी तरह मौलाना कलबे सादिक साहब भी बारहा जब वो हैदराबाद सिंध तशरीफ़ लाते रहे तो मेरे घर आए और मेरे घर रहे, और मैं उनसे उनके साथ गुफ्तगू करता रहा, और देर तक रात गए तक सिलसिला जारी रहता था और रहा। और जब भी मैं लखनऊ जाता था, ज़ाहिर है कि मुझे उनसे मुलाकात का शरफ़ हासिल होता रहा। मैंने ये देखा है कि उनमें कोई तसन्नो, कोई बनावट, कोई ज़ाहिरदारी, कोई अपने को बहुत बड़ा बनाना या अपने आप को समझना कि मैं, हालांकि वो वाकई इस इल्म के दर्जे पर फायज थे और मुकाम उनको हासिल था कि वो जो चाहे ज़ाहिर है कि कर सकते थे, लेकिन कभी फरोतनी इनके सारी खाकसारी उनकी तबीयत का खासा था। बल्कि मैंने एक चीज़ उनमें महसूस की और वो देखी, वो अजीब चीज़ थी कि जब भी कोई उनसे मिलने जाता था, अदना हो या आला, एक आम इंसान हो या कोई पढ़ा लिखा, जब भी कोई जाता था और खुदा हाफिज़ कहता था, तो वो उससे रुख्सत करने के लिए बाहर तक तशरीफ़ लाते थे। यानी कि घर से रुख्सत कर दिया और अपने कमरे से या ड्राइंग रूम से कब खुदा हाफिज़, नहीं, बाहर तक आते थे। अगर गाड़ी खड़ी है और कोई गाड़ी में बैठ रहा है, तो जब तक उसमें सवार ना हो जाए वो खड़े रहते थे और इस तरह उसको रुख्सत करते थे। ये सिफत मैंने किसी में नहीं देखी है सिवाय उनके। वाकई बड़े बड़े लोग हैं, उलमा हैं, बड़े बड़े लोग हैं, मुस्तहीन हैं, लेकिन ये कि वाकई उनमें ये सिफत मौजूद थी। फिर उनकी पूरी ज़िंदगी इल्म की तरवीज और तरक्की के लिए वक्फ थी। तकरीर में उनके आपको नज़र आएगा कि वो ये कहते नज़र आते थे कि इल्म हासिल करो, इल्म हासिल करो, इल्म। उन्होंने ये भी कहा कि ठीक है, ये हम जिक्र कर रहे हैं और तस्करा कर रहे हैं, लेकिन इल्म जो है वो मजलिस बड़ी अच्छी चीज़ है और हम मजलिस बरपा करते हैं और मजलिस ज़रिया है एक इल्म का, लेकिन आपको चाहिए कि मदरसा कायम करें, स्कूल कायम करें, इदारे कायम करें और इल्म की जानिब रागिब होना चाहिए। और इसीलिए यूनिटी कॉलेज जो उन्होंने कायम किया, ख़ुद मैंने कई बार उसे विज़िट किया है, ये मुझे शरफ़ हासिल है। बल्कि उनकी जो किताब है जिसमें लिखा जाता है कि फलाया, तो उन्होंने मुझे भी कहा कि आप इसमें कुछ तहरीर कर दें कि आपने ये कॉलेज देखा है, तो उसमें मेरा है तहरीर है मेरी, जो मैं जब कॉलेज में गया था। फिर उन्होंने ये किया कि मुझे क्लासेस में ले गए और ले जाके खड़ा किया और तलबा से तारुफ कराया कि ये वहाँ तिलमीज़ साहब हैं जो ख़ुद भी इस्कॉलर हैं, बहुत सी किताबों के मुसन्निफ़ हैं और यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, तो हमारा हमें ये शरफ़ हासिल है कि यहाँ मौजूद हैं, लिहाजा तुम लोग इनसे सवाल करो और ये तुम्हें तुमसे भी सवाल करेंगे। तो मुझसे कहने लगे कि आप पूछें ये कॉलेज जो है इसमें ये देखें कि कैसे तलबा पढ़ रहे हैं। तो फिर मुझसे, बल्कि वो ख़ुद इंग्लिश तो बहुत अच्छी बोलते थे, गुफ्तगू किया, मुझसे भी कहा कि मैं उनसे इंग्लिश में सवाल करूं, और इस तरीके से सवाल जवाब हुए और मैं वाकई बड़ा मुतासर हुआ उन लोगों की। फिर मुझे लैब भी दिखाई कि जहाँ पर केमिस्ट्री लैब थी और दूसरी लैब थी। इससे अंदाज़ा होता है कि वो किस कदर दिलचस्पी लेते थे कि लोग पढ़ें और इल्म हासिल करें। बल्कि यहाँ भी कुछ वो तलबा आए थे और ख़ुद वो लेकर आए थे, जिन्हें वजीफ़ा उन्होंने दिया था और उन्होंने इल्म हासिल किया था और यहाँ अमेरिका में भी आकर रहे। जो अमेरिका तशरीफ़ लाते थे तो उस वक्त भी हमसे तो बारहा मुलाकातें, मेरे घर भी तशरीफ़ लाते थे, मुलाकातें रही हैं। तो वाकई सिर्फ मैं ये ज़ाती बातें इसलिए बयान कर रहा हूँ कि वो एक अजीब इंसान अगर कहा जाए और अजीब इंसान की कोई तारीफ की जाए कि जिस पर तमाम सिफात जमा हों, तमाम खूबियाँ जमा हों, तमाम महासिन जमा हों, तमाम फ़ज़ाइल जमा हों, तमाम अच्छाइयाँ उसमें मुजतमा हों, तो वो यही ज़ात एक उनकी ज़ात थी जिसमें आप इल्म भी देख सकते थे, हिल्म भी देख सकते थे,
तकवा भी देख सकते थे, परहेजगारी भी देख सकते थे, और उनकी वाकई बढ़ाई थी कि बावजूद इतने मंजिल तक पहुँच, दुनिया में शायद ही कोई ऐसा इलाका हो जहाँ तक उनका नाम और उनका काम ना पहुँचा हो। उनका नाम, उनका काम, उनका मकाम, उससे सब आशना है, और यकीनन उनका जाना एक फ़र्द का जाना नहीं है, बल्कि यकीन जाने कि एक अंजुमन चली गई, एक उम्मत चली गई, और जिसको कहते हैं ना कि एक फ़र्द की मौत नहीं है, बल्कि एक ऐसी जमात, यानी जो जिनके अंदर तमाम सिफात और खूबियाँ जमा थीं, वो हमसे रुखसत हो गए, तो एक उम्मत गोया के उनकी जाने से ख़त्म हो गई, और उनका खला वाकई कोई पुर नहीं कर सकता। बस सहल हमें जानो, फिरता है फलक बरसों, तब खाक के पर्दे से इंसान निकलते हैं। वाखर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, माशाल्लाह, जज़ाकअल्लाह हुज़ूर, क्या कहने हैं, वक्त बहुत ही जामे और बहुत ही मुख्तसर, बहुत खूब, बहुत शुक्रिया आप लोगों का, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आप देख रहे हैं वतन से दूर हम वतनों के साथ याद रफ्तगान का प्रोग्राम, जो खुसूसी तौर से इस चैनल ने आपके कम्युनिटी के लिए बनाया है। मुझे अंदाज़ा है कि इस वक्त जो लोग यहाँ हैं, और इस चार मिसरों से उसकी वजाहत कर दूं ताकि आप दिल बर्दाश्ता ना हो, जो लोग हैं इस बज़ में वो चीदा हैं, जो लोग हैं इस बज़ में वो चीदा हैं, मैं खूब समझता हूँ कि फहमीदा हैं। रत्ती का नहीं फ़र्क है माशाल्लाह, रत्ती का नहीं फ़र्क है माशाल्लाह, तोला है निगाहों ने कि संजीदा हैं। ये संजीदगी की महफिल है, और इस वक्त हमारा मकसद जो है वो खराज अकीदत पेश करना है हकीम उम्मत जनाब अल्लामा डॉक्टर कल्ब सादिक साहब मरहूम के लिए। उनके खानवादे के अफराद यहाँ पर मौजूद हैं, और अगर उनके साहबजादे जनाब कल्ब सिप्तैन साहब आ चुके हैं यहाँ पर, तो मुझे ज़रा क्यू कर दें चैट बॉक्स में। मैं यहाँ पर उनका एक और कल्ब हादी साहब का फ़ोन देख रहा हूँ कि उन्होंने साइन इन किया है। बहरहाल उनके खानवादे यहाँ मौजूद हैं, और इस वक्त मैं यहाँ पर आपके सामने चाहूँगा कि अली इरफान साहब हैं मौजूद यहाँ पर, हमारे सीनियर शुरा में कनाडा से ताल्लुक़ हैं, और उनसे मैं दरख्वास्त करूँगा कि बारगाह इमामत में सलामुअलैकुम नाज़रीन व सामईन। मैं यहाँ आज आपके सामने शायर की हैसियत से मौजूद नहीं हूँ, बल्कि मैं चाहता हूँ कि दो लफ्ज़ डॉक्टर कल्ब सादिक मरहूम के हवाले से कहूँ और पेश करूँ आप सबके सामने। डॉक्टर कल्ब सादिक से मेरी मुलाकात रही है, और मुख्तलिफ मौक़ों पर, मुख्तलिफ वक्तों पर, मुख्तलिफ शहरों में रही है। उनसे मेरी पहली मुलाकात उस वक्त हुई थी जब वो हैदराबाद दक्कन तशरीफ़ लाए थे, बहुत पहले मेरे लड़कपन का ज़माना था। उसके बाद फिर उनके मेरी मुलाकात उनसे उस वक्त हुई जब मेरा क़याम कुवैत में था, तो वो वहाँ भी तशरीफ़ लाए थे, और एक मरतबा नहीं कई मरतबा आए थे, और उनकी एक वहाँ की जो विज़िट थी कुवैत की 1994 में, वो इस वजह से भी यादगार है कि उस विजिट में उनके साथ डॉक्टर हिलाल नकवी भी तशरीफ लाए थे, और वो मेरी डॉक्टर हिलाल से पहली मुलाकात थी बहरहाल। और फिर उसके बाद वो जो कनाडा भी तशरीफ लाए, टोरंटो में भी उन्होंने मजालिस पढ़ी, वहां पे भी उनसे मेरी मुलाकात रही। और डॉक्टर कल्ब सादिक के ताल्लुक से माशाल्लाह जनाब मोहम्मद अली जैदी साहब ने और मौलाना तिलमिज़ुल हसन साहब ने बहुत ही खूबसूरत ख्यालात का इजहार किया है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि जैसा सब लोग जानते हैं कि डॉक्टर कल्ब सादिक ने इल्म पर जो जोर दिया था वो वक्त की जरूरत भी थी। आज जो इन्हितात इल्मी हमारी कौम में है वो किसी से पोशीदा नहीं है, और ये हर फील्ड में है, यानी मॉडर्न एजुकेशन से लेके अदब तक
अब तो ये हाल है कि महफिलों में भी शुआरा बेबहर अशार पढ़ते हैं और सामाई दाद देते हैं। और इन हालात में इल्म हासिल करने पर जोर देना बिल्कुल ज़रूरी है। और मैं समझता हूँ कि डॉक्टर कल्ब सादिक के लिए ईसाले सवाब का इससे बेहतर जरिया नहीं है कि हर कोई हमें जो है इल्म की तरवीज की कोशिश करे और अपने आइंदा जनरेशन में मुताले का शौक पैदा करे। मैं समझता हूँ कि वो लोग खुश नसीब हैं जिनके घरों में आज भी एक अपनी उनकी जाती लाइब्रेरी मौजूद है। हर शख्स के घर में किताबें होनी चाहिए और किताबों का शौक अपने बच्चों को दिलाना चाहिए। और इसी हवाले से मैं जैसा मैंने अर्ज किया कि मैं समझता हूँ कि डॉक्टर कल्ब सादिक के लिए इससे बेहतर ईसाले सवाब नहीं होगा कि उनके हवाले से तरवीज इल्म की जाए। बस मुझे ये दो चार मिनट आपके लेने थे। एक सलवात इरशाद फरमाएं। اللهم صل على محمد وآل محمد. جزاك الله جناب. میں اب آپ حضرات کو لے چلتا ہوں کینیڈا میں اپنے دوسرے محترم عالم دین جن سے میری واقفیت تقریباً 55 سال سے ہے. اسی ایک ہی محلے میں ہم تھے پاکستان میں. میری مراد ہے مولانا سید اجمال نقوی صاحب سے. ان کے صاحبزادے نے آپ کے سامنے بڑی خوبصورتی سے حمد باری تعالیٰ سے اس پروگرام کا آغاز کیا. وہ بھی یہاں موجود ہیں. میں ان سے درخواست کروں گا آپ ذاکری بھی کرتے ہیں, شاعری بھی کرتے ہیں اور بہت ہی اچھے کمیونٹی کے ہر دل عزیز افراد میں شامل ہیں. میں جناب محترم سید اجمال نقوی صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. بہت شکریہ بھائی, آپ نے یہ شرف بخشا کہ ہم اس پروگرام میں شامل ہیں اور کوشش کریں گے کہ چند لفظوں میں تعزیت پیش کر سکیں اور ان کی شخصیت کو دوسروں تک پہنچانا اور اس کا بیان کرنا تو علماء سے ہم نے سن لیا. اعوذ باللہ السميع العليم من الشيطان اللعن الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی من اتبع الہدیٰ. قبلہ تلمی صاحب نے, زیدی صاحب نے اور بھائی علی عرفان نے سب نے جو گفتگو کی ہے تو ظاہر ہے کہ اس تفصیل کے ساتھ ہے. میں قبلہ سے اصلیت میں جب وہ کینیڈا تشریف لائے جب بہت زیادہ واقف ہوا, لیکن میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کرنا چاہوں گا کہ میرا بالکل سمجھ لیجیے اب لڑکپن تھا اور یہ غالباً لیٹ 50s کی بات ہے کہ رضویہ امام بارگاہ میں قبلہ کلب صادق صاحب تشریف لائے تھے اور جو بلیک اینڈ وائٹ میں ایک پکچر لگی ہوئی ہے انٹرنیٹ پہ بھی ہے, فیس بک پہ بھی ہے, وہی شکل و صورت, سرخ سفید چہرہ اور ہلکی سی سفید ٹوپی اور قبا, اور جو ان کا انداز تھا چہرے سے یہ معلوم ہوتا تھا کہ اس زمانے میں جبکہ وہ اپنی ٹین ایج میں ہوں گے 18-20 کے, اس زمانے میں یہ محسوس ہوتا تھا کہ ایک عالم باعمل شخصیت جو ہے وہ ہمارے درمیان ظاہر ہوئی ہے. ہندوستان سے وہ تشریف لائے تھے اور اس کے بعد پھر میری ملاقات جب ہوئی, میں 1972 میں یہاں کینیڈا آیا تو وہ لیٹ 70s میں جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے, اور 80s میں کئی بار تشریف لائے اور مونٹریال میں آبدی صاحب کے گھر میں بھی ان کا قیام رہا اور ہماری نشستیں رہیں ان کے ساتھ اور مجالس ان کی ہوئیں. آٹوا میں بھی انہوں نے مجلسیں پڑھیں, مونٹریال میں مجالس پڑھیں. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں نے اپنے بچپن میں اور لڑکپن میں جناب کے والد محترم جناب کلب حسین صاحب کی تقاریر کو بھی سنا اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ایک دریا ہے, ایک سمندر بہہ رہا ہے علم کا, اور اس قدر روانی اور سلاست جناب کلب صادق کے والد صاحب کی تقاریر میں تھی کہ ہم اپنے اس بچپن کے اندر محسوس کرتے تھے کہ ایک ایک لفظ جو ہے وہ ذہن کے اندر جاگزین ہوتا چلا جا رہا ہے. ہمیں ان کی گفتگو اور ان کی تقاریر اب تک یاد ہے. پھر ہم نے یہ محسوس کیا کہ جناب کلب عابد صاحب جو کہ حادثے میں جام شہادت نوش کر گئے, بالکل ان کا انداز بھی
وہی ہم نے محسوس کیا کہ جو ان کے والد محترم کا تھا. اور اب جب سے قلب صادق صاحب نے یہاں آنا شروع کیا, چونکہ تقریباً مجھے 48 سال تو ہو گئے یہاں رہتے ہوئے کینیڈا کے اندر, اور امریکہ میں بھی تشریف لائے اور مونٹریال, ٹورانٹو اور آٹوا میں بھی تشریف لائے, مسلسل ہم لوگوں نے بہت استفادہ کیا. سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ ان کے کلام میں اور ان کے بیان میں سلاست, روانی, سادگی, اور جس مقصد کو وہ لے کے چلتے تھے, یوں سمجھ لیں آپ کے پورا شروع سے آخر تک اس مقصد کو بیان کرنے کے ساتھ ساتھ کوشش ان کی یہ ہوتی تھی کہ وہ جو مطالب ہیں وہ لوگوں تک باقاعدہ دلوں میں نقش ہو جائیں. اور واقعہ یہی ہے کہ ایک علم کا ایسا سرچشمہ تھے جناب قلب صادق صاحب مرحوم, خدا ان کے درجات کو بلند فرمائے اور ان کے والد کو بلند فرمائے, اور ساتھ ہی ساتھ ان کا جو خانوادہ ہے, ان کے جو صاحبزادے ہیں, جو ان کے داماد ہیں, ان کی جو بیٹیاں ہیں, ان کے گھر میں جو بچے ہیں, ان کے نواسے نواسیاں, پوتے پوتیاں ہیں, ان سب کو ہم تعزیت پیش کرتے ہیں اور اس بات کی کوشش کریں گے. اور میری درخواست یہ ہے خاص طور پر کہ جتنا بھی قبلہ قلب صادق صاحب مرحوم کا بیان ہے ویڈیوز اور آڈیوز کے اندر, اس کو کوشش کیا جائے کہ جیسے اور سارے علماء اور خطباء اور مرحومین کا آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ نیٹ کے اوپر بہت کچھ ہے آ رہا ہے, لوگ استفادہ کر رہے ہیں, تو جناب قلب صادق کے بیان جو ہیں اور ان کے جو اشرے اور مجالس ہیں, ان کی جو تقریریں ہیں اور ان کی جو نصیحتیں ہیں اور ان کے جو دروس ہیں, وہ سب جو ہیں اگر وہ آہستہ آہستہ نیٹ پر لوڈ کیے جائیں اور یوٹیوب پہ ڈالے جائیں تو لوگ اس سے بہت کچھ استفادہ یقیناً کریں گے. آخر میں میں تعزیت پیش کرنے کے ساتھ ساتھ دعا کرتا ہوں کہ جناب کو جناب سید الشہداء کی جوار میں جگہ ملے, اور یہ چار مصرے جو ابھی میں نے لکھے ہیں یہ میں پیش کر رہا ہوں کہ گل ہوا ہے ایک چراغ خاندان اجتہاد, گل ہوا ہے ایک چراغ خاندان اجتہاد, قلب صادق علم و حکمت میں تھے کان اجتہاد, قلب صادق علم و حکمت میں تھے کان اجتہاد, اور زندگی سادہ بہت مخلص بیاں میں درس حق, زندگی سادہ بہت مخلص بیاں اور میں بیان درس حق, گل گھرانہ کل گھرانہ آپ کا تھا آستان اجتہاد. تو حقیقت یہی ہے کہ خاندان اجتہاد سے جناب کا تعلق تھا, اور مسلسل غفرام آپ اللہ مقامہ سے لے کر اور جناب قلب صادق تک یہ سلسلہ ہم دیکھ رہے ہیں, اور امید یہی ہے کہ ان کے آگے جو ان کی نسل ہے اور ان کی جو اولاد ہے, جو ان کے داماد ہیں, جو ان کے نواسے نواسیاں پوتے پوتیاں ہیں, وہ اس چیز کو لے کے آگے بڑھیں گے, اور ان میں بھی کوئی نہ کوئی ایسا آگے ضرور آگے بڑھے گا جو اس سلسلے کو جاری رکھے, اور یہ خاندان اجتہاد جو ہے اسی طریقے سے خدمت گزاری کرتا رہے اور دنیا جو ہے وہ مستفید ہوتی رہے اور ہم لوگ استفادہ کرتے رہیں. والصلاۃ والسلام علی من اتبع الہدا. بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ اجمل بھائی آپ کا. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں وطن سے دور ہم وطنوں کے ساتھ یادگار یاد رفتگان کا پروگرام, جس سے خصوصی طور سے ناب مرحوم قلب صادق صاحب کے لیے تیار کیا گیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت مناسب وقت ہے کہ جبکہ مرحوم کے خانوادے کے کچھ افراد یہاں موجود ہیں, تو میں ان سے گزارش کروں گا کہ نجم الحسن صاحب کو تو میں دیکھ رہا ہوں, باقی قلب حادی صاحب کے کون صاحب ہیں فون پہ. بہرحال آپ لوگوں کے پاس اب ویڈیو آپ اپنا آن کریں اور اپنے خیالات سے کہ کس طریقے سے آپ محسوس کر رہے ہیں اور ان کی جو کچھ خاص چیزیں جو رہ گئی ہیں جو ہم سے شیئر کرنا چاہتے ہیں, آپ قوم سے شیئر کرنا چاہتے ہیں, اس کے لیے آپ آگے. جناب نجم الحسن صاحب سے درخواست ہے کہ وہ تشریف لائیں, اور اگر وہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کے دوسرے خانوادے کے لوگ اس وقت موجود ہیں یہاں پر, تو ان سے درخواست ہے کہ وہ ان کو انٹروڈیوس کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آپ حضرات کا بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے یہ نشست جو ہے برپا کی اور ہم لوگوں کو موقع فراہم کیا کہ آپ لوگوں کے بیچ میں آ کے اس میں شرکت کریں. اور جس طرح سے یہاں پر آپ حضرات نے, زیدی صاحب نے اور علامہ ترمذی صاحب نے اور دیگر افراد نے چیزیں بتائیں, میرا خیال ہے کہ جتنا کلوز ہم لوگ تھے اتنے ہی زیادہ آپ لوگ بھی کلوز تھے اور ان سے زیادہ واقف ہیں ان کی خصوصیات سے, انہوں نے کیا کیا.
तो मैं नहीं समझता कोई ऐसा पहलू रह गया है, अगर आप कोई स्पेसिफिक चीज पूछिए तो हो सकता है कि हम मैं बताऊं उसके बारे में, मगर जितनी अच्छी तरीके से उनकी चीजों को उनके बारे में आप लोगों ने बताया है और आप लोग जानते हैं, उसके मुकाबले में मैं नहीं मुनासिब समझता उससे बेहतर कुछ मैं बता पाऊंगा। अगर आप इत्शाम साहब को स्पेसिफिक चीज पूछना चाह रहे हैं तो आप पूछिए और मैं कोशिश करूंगा कि उसको मैं बता पाऊं। जी देखिए, ये मेरा इस वक्त फरीजा होता है कि क्योंकि ये प्रोग्राम पूरी दुनिया में सिर्फ आज ही नहीं बल्कि बार बार रिपीट होगा, देखेंगे लोग, तो उससे एक मैसेज कि जो अल्लामा का जो प्रोजेक्ट था तौहीदुल मुस्लिमीन का और जो स्कूल का, कॉलेज का, हॉस्पिटल का, उस में बैरून मुल्क से रहने वाले किस तरीके से मुंसलिक रह सकते हैं और आप उस प्रोजेक्ट को किस तरीके से आगे बढ़ाने का आपका इरादा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखिए लाइफ टाइम जैसा बहुत ही अच्छी तरह से हमारे क़िबला ज़ैदी साहब ने बताया कि उनके तीन लाइफ टाइम मिशंस रहे हैं। एक तो ये है कि डिसिप्लिन लाइफ, सादी लाइफ आदमी को बिताना चाहिए। दूसरा, उन्होंने हमेशा एजुकेशन के ऊपर जोर दिया कि माशरे की सबसे बड़ी बुराइयां जो हैं गुरबत और जहालत, इसको एजुकेशन के जरिए ही हम लोग दूर कर सकते हैं, इसके अलावा और कोई दूसरा नहीं जरिया है। तीसरी जो उन्होंने बहुत जिंदगी अपनी सर्व की है वो इत्तेहाद के ऊपर, वो इत्तेहाद क्या कहने, चाहे विद इन द कम्युनिटी हो, चाहे मुस्लिम उम्मा में हो या इंटरफेथ इत्तेहाद हो, इसके ऊपर बेपनाह काम किया है और इसकी वजह से उन्होंने सबके दिल जीते हैं क्योंकि उसमें उनकी सिंसियरिटी शामिल थी। अब उनका जो एजुकेशन के ऊपर काम था वो सब आप लोगों के सामने है और वो एजुकेशन का काम उन्होंने जो है वो एक, फिर यही मैं बात कहूंगा कि वो एक मौलाना नहीं थे, एक विजनरी नहीं थे, बल्कि उसके साथ साथ उनके अंदर जो एक कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर में एक अच्छे मैनेजर के पास या सीईओ के पास जो चीजें होना चाहिए वो उनके अंदर क्वालिटीज मौजूद थी। तो उन्हीं ने कभी इदारे को जो है या इदारों को एक शख्सियत से कभी नहीं जोड़ा, उन्हीं ने टीम बिल्डिंग की और टीम बिल्डिंग के साथ साथ उन्हीं ने ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर डेवलप किया, क्योंकि देखा यह जाता है कि इदारे एक शख्स के साथ हमेशा बैठ जाते हैं, अगर उन्होंने कभी भी अपने आप को प्रमोट नहीं किया बल्कि उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर डेवलप किया और उसकी बुनियाद डाली और वो हर आपके प्रोजेक्ट में दिखता है, तौहीदुल मुस्लिमीन ट्रस्ट में दिखता है, ताकि एक कंटिन्यूटी जो है वो मेंटेन हो सके। तो यही चीज तौहीदुल मुस्लिमीन ट्रस्ट में भी है, बाकायदा हायरार्की है, बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज हैं जो कि एक लेगेसी को उनकी लेके चल सकते हैं। अब जो काम हुआ तो मेन एजुकेशन है और दूसरा हेल्थ केयर है और थर्ड जो है वो एक जनरल चैरिटी वर्क है जिसमें बहुत सारी चीजें शामिल हैं, मगर मेन जो प्रायोरिटी है वो एजुकेशन के ऊपर है। एजुकेशन में तीन चीजें हैं, एक है स्कॉलरशिप प्रोग्राम जिसमें बच्चा मेरिट का मींस बेसिस पर, अगर उसके पास हालात इस तरह के नहीं है मगर मेरिट है तो जहां तक भी पढ़ना चाहे ट्रस्ट उसको जो है सपोर्ट करता है। इवन बच्चे जो हैं बाहर आईवी लीग यूनिवर्सिटीज में एडमिशन्स लेते हैं, उनके पास अगर हालात ऐसे हैं कि वो फीस वगैरह नहीं मैनेज कर सकते हैं, ट्रस्ट उनको भी मेरिट का मींस बेसिस पर सपोर्ट करता है। फिर दूसरा जो है उन्हें इंस्टीट्यूशंस बनाना शुरू किए जिसमें यूनिटी कॉलेज लखनऊ में, एमयू कॉलेज अलीगढ़ में और वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर और एक यूटी कॉलेज इलाहाबाद में इस्टेब्लिश हुआ। बाद में फिर हम लोगों का सबका एक रियलाइजेशन ये हुआ कि इंस्टीट्यूशन बनाना जो है वो बहुत आसान है मगर उसको जो है वो क्वालिटी लाइंस के ऊपर चलाना बहुत मुश्किल है, इसलिए हम लोगों ने एक दूसरा मॉडल डेवलप किया और उसको नाम हम लोगों ने यूनिटी एजुकेशन प्रोग्राम दिया, जिसमें एक तरफ हम लोग जहां भी शिया पॉकेट्स हैं और वहां पर बच्चे इस तरह के हैं मौजूद कि जो कि बिलो पॉवर्टी लाइन फैमिलीज को बिलोंग करते हैं और वो इल्म हासिल करना चाहते हैं, तो एक तरफ उनको सर्वे करके आइडेंटिफाई किया और दूसरी तरफ वहां पर जो बेस्ट पॉसिबल स्कूल था उसके साथ एक हम लोगों ने एमओयू किया
और इन बच्चों का वहाँ एडमिशन कराते हैं और उनकी मॉनिटरिंग पूरी करते हैं कि किस तरह से उनकी प्रोग्रेस हो रही है, किस तरह से उनके वालदैन कोऑपरेट कर रहे हैं। वो एक अपने आप में एक पूरा सिस्टम है। तो उसके जरिए जो है वो इस वक्त बच्चे तालीम पा रहे हैं, उसका एक्सपेंशन जो है वो हम लोग तेजी से कर रहे हैं ताकि उसमें जो उसत है। फिर इसके अलावा जो है वो बूस्ट जो दे रहे हैं हम लोग वोकेशनल ट्रेनिंग को दे रहे हैं, क्योंकि अक्सरियत लोगों की जो है उनके अंदर ऐसा नहीं है कि वो लोग अच्छे इंस्टीट्यूशंस में जो है कॉम्पिटिशन के जरिए दाखिला ले सके। तो इसलिए उनको जो है वोकेशन से जुड़ना है और ताकि वो लोग एम्प्लॉयबल बन सके। तो अब हम एक हम लोगों ने सफर तय किया है, कल्बे सारे साहब ने उसकी बुनियाद रखी। वो सफर जो था वो था लिटरेसी प्रमोट करना, क्योंकि लोग जो थे इलिटरेट थे, एजुकेशन की तरफ उनका जोर नहीं था। फिर एजुकेशन आई, अब एजुकेशन का जमाना नहीं है, बल्कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जब तक नहीं है तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो एक सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो हम लोगों के सामने है कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को कैसे प्रमोट किया जाए, खास तौर से आजकल के जमाने में जहां पर खास तौर से इंडिया में जो है वो कमर्शलाइजेशन ऑफ एजुकेशन जो है वो बहुत ही बढ़ चुका है। तो इसलिए वोकेशंस को प्रमोट कर रहे हैं और दूसरी तरफ जो बच्चे सही में मेरिटोरियस हैं उनको प्रमोट कर रहे हैं ताकि वो अच्छे इंस्टीट्यूशंस में जाके इंजीनियर्स, डॉक्टर्स और मैनेजर्स बने और एम्प्लॉयबल होके कम्युनिटी का डेवलपमेंट हो सके। तो ये है मेडिकल में जो है वो रूटीन डिस्पेंसरीज हैं और डायग्नोस्टिक्स उनके और लाइफ सेवर ट्रीटमेंट ये सब ट्रस्ट के जरिए होता रहा है। अब ये जो उनका मिशन है वो हम लोगों के दरमियान नहीं रहे हैं, मगर वो हम लोगों को उनको जिंदा रखना है हम लोगों के दरमियान उनके जो मिशन था उसके जरिए। तो अब हम लोग के ऊपर सबके सिर्फ तहदील मुस्लिम ट्रस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है या खानवादे की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, किसी इंडिविजुअल की नहीं है, भाई ये हम सबकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कि जैसा आप लोगों ने विल में पढ़ा होगा कि विल इसीलिए हम लोगों ने उसका जस्ट निकाल के प्रेजेंट कर दिया, सब लोगों तक पहुंचा दिया, ताकि ये शक्ल जो है वो एक किसी इंस्टीट्यूशन की ना हो बल्कि एक मूवमेंट इख्तियार कर ले। जरूरी नहीं है कि इमदाद कोई करना चाहे तो तहदील मुस्लिम ट्रस्ट के जरिए करे, नहीं, आप लोग जहां भी हैं, जहां जहां भी लोग उनसे उसीयत रखते हैं, चीजों को समझते हैं, तो वहां पर वो किफालत करें, ऐसे अफराद की किफालत करें, ऐसे बच्चों की किफालत करें जहां जिनको जरूरत है, और सिर्फ पैसे से नहीं बल्कि उनकी तरबियत भी करें, उनके सर पर हाथ रखें, जैसे हम अपने बच्चों की काउंसलिंग करते हैं उनकी तरबियत करते हैं, ताकि तालीम के साथ तरबियत होना बहुत जरूरी है। तो इसलिए मैं आपसे गुजारिश यही करूंगा कि तहदील मुस्लिम ट्रस्ट से जरिए आप करिए, सर आंखों पर बहुत अच्छा है, मगर आप लोग इसको एक मोमेंट की शक्ल दिए और इसको जहां जहां भी आप चाहिए किसी भी जरिए से करिए, इंस्टीट्यूशंस बनाइए। मगर देखिए जो भी इंस्टीट्यूशंस बनाइए वो इंस्टीट्यूशन सिर्फ इंस्टीट्यूशंस बनाने के लिए ना करिए, बल्कि पर्पस बेस्ड इंस्टीट्यूशन होना चाहिए ताकि उनके जरिए काम हो सके। और जरूरी नहीं है एज इंडिविजुअल भी काम हम लोग कर सकते हैं। तो मेन यही है कि बच्चों को के जरिए हम लोग जहां जहां भी कम्युनिटीज हैं, इवन यूएस में एजुकेशन है, सब कुछ है, तो कोशिश ये करें आप लोग मिल के अपने कम्युनिटी के बच्चों को आईवी लीग यूनिवर्सिटीज में पहुंचाइए, ताकि वहां से कम्युनिटी के इंजन बने, और जब वो उस मकाम पर होंगे तो सब कॉन्टिनेंट के जो बच्चे हैं वो उनको फॉलो करके ऊपर आ सकते हैं। इसके साथ फिर से आप सबका शुक्रिया अदा करते हैं। तो बेसिकली उनको हमें अपने दरमियान उनके मिशन के जरिए जिंदा रखना है और उसको दिल के साथ लेके उसको मजबूत बनाना है और उसकी को आगे बढ़ाना है। आप हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया, बिलखसूसन इत्तिशार साहब का कि उन्हीं ने ये प्रोग्राम जो है वो किया जिसमें इतने अच्छे लोगों को शामिल किया और उन्हीं ने अपने रोशन ख्यालात से हम लोगों को जो है वो तसल्ली भी बख्शी और उम्मीद ये है कि हम सब मिलके जो है उनकी लेगेसी को आगे बढ़ा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप के सामने इस वक्त दूसरे आपके खानवादे यहाँ पर मौजूद है, जरा उनका तारुफ करा दीजिए ताकि हम मुतमईन हो जाएं। अगर डॉक्टर कल्ब सिप्तान साहब यहाँ पर मौजूद हैं, कल्ब सिप्तान साहब किसी सबब नहीं तशरीफ ला पाए हैं, मगर यहाँ पर जो है खुर्शीद रजा साहब उस उर्फ राजा मियां तशरीफ रखते हैं जो उनके ब्रदर इन लॉ हैं, और उनसे आप जो है वो उनके बारे में पूछ सकते हैं
जी खुर्शीद साहब हमारे दरमियान मौजूद है और हमारी पहली कॉन्टेक्ट जो थे वो खुर्शीद साहब ही थे। मैं आपका इंतहाई ममनून साहब ने आपका नंबर दिया मुझे और मैंने आपको कॉन्टेक्ट किया और आपने इस नेटवर्क को हम हमारे प्रोग्राम वतन से दूर हम वतन के साथ आप अपने ख्याल का इजहार चंद मेहमान हमारे साथ करना चाहें तो प्लीज वेलकम। सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप लोगों ने मौलाना के लिए इस कदर डिटेल में सारी चीजें बता दी कि अब मेरे पास कुछ भी नहीं है जो मैं बताऊं। आप हमसे ज्यादा उनके बारे में जानते हैं। जाहिर है वो शख्सियत ऐसी थी जिसके लिए ये कहना कि कोई नहीं जानता है तो समझ में नहीं आता है। बहरहाल आप लोगों ने बहुत ही अच्छी तरीके से और ऐसा लगता है कि जैसे आप बिल्कुल उनके फैमिली मेंबर हैं और बिल्कुल फैमिली मेंबर की तरह से आपने डिटेल में उनके बारे में सारे ख्यालात का इजहार किया। और मेरे पास तो अल्फाज नहीं है कि मैं अब इससे क्या बताऊँ। सब कुछ तो आप लोग बता चुके हैं और अभी हमारे नजमी मियां ने सारे इदारे के बारे में आपको बताया और बहरहाल वो काम कर रहे हैं और बहुत ही उनकी बीमारी में पूरा काम नजमी में यही ने किया और कर रहे हैं माशाल्लाह। आपको था उनसे उनको तौफीक दे कि इंशाल्लाह वो इसी तरह से करते रहें, उनके औलादें भी करती रहें, सब माशाल्लाह लायक हैं इंशाल्लाह। आप देखेंगे कि जो आपने उनकी जाहिर उनकी कमी तो नहीं पूरी हो सकती। वो तो बारहवीं सदी के में तो कोई दिखाई नहीं देता है हमारी कौम में। बहरहाल ये कि खुदा करे और पैदा हूँ एक ऐसी चीज है कि यही हमारी बिरादरी है। और आपने जैसे कहा कि कुछ नकुश ऐसे गहरे पड़ते हैं इस वक्त की गुफ्तगू से कि वो ताहयात इंसान अपने साथ रखता है। मेरे जहन में एक छोटा सा वाक्य है जो कि मैं बचपन से यानी चार साल साढ़े चार साल का रहूंगा उस वक्त से जहन में मेरे आता है कि गुफरा माब इमाम बारगाह में मैं अपने वालिद मोहतरम के साथ एक मजलिस एजा में था और वहां पर कब्बन साहब जो के बुजुर्ग उस वक्त के हुआ करते थे वो मौजूद थे और वालिद साहब ने जैसे आम बुजुर्ग अपने बच्चों को आगे बढ़ाते हैं उन्होंने मुझे एक रुबाई पढ़ने के लिए गुफरा माब इमाम बारगाह में तैयार किया। तो वो बहुत ही मशहूर है एक छोटा सा जाकिर सरे मिंबर आया तो जब उन्होंने मुझे कहा कि तुम जाके बेटा रुबाई पढ़ो तो मैं गुफरा माब के इमाम बारगाह की जो मिंबर है उसके सबसे ऊपर वाले अर्श पे जाके बैठा और वहां से मैंने वो रुबाई पढ़ी और फिर दंदनाता हुआ नीचे उतर आया। कब्बन साहब ने मुझे गोद में ले लिया और उन्होंने कहा कि वाले साहब से कि मीर साहब आपने इसको मौलाना बनाना है। वो जहन में मुस्तकिल वालिद के रहा और जब 50 और 51 के ईयर पे कब्बन साहब हमारे घर पे मजलिस पढ़ने के लिए खुदादत कॉलोनी कराची में आए तो उस वक्त उन्होंने मुझे गोद में एयरपोर्ट से लेके और घर तक मैं उनकी गोद में बैठ के आया। तो बहरहाल और उसके बाद जब अमेरिका में जनाब डॉक्टर कल्ब सादिक साहब से रब्ता हुआ तो हमारे घर में मौजूद थे और वो उनकी जैसी आदत होती है बात करने की, बात करते करते उन्होंने हमारा शजरा पूछना शुरू किया तो पता ही चला कि मेरी ससुराल जो है वो उनके खानदान से मिलती है। तो ये सारी नकूश ऐसी हैं कि जिसे कहते हैं कि पसीने से और खून से खुशबू से इंसान मिल जाता है। तो मैंने अपने फर्ज वादा किया है वतन से दूर हम वतनों के प्रोग्राम याद रफ्तगान डॉक्टर कल्ब सादिक साहब के लिए खुसूसी तौर से पेश किया गया है और इसके अख्तिताम पर जैसा कि आपको पता है कि फर्श अज़ा से ही हमारी निशानी है मैं दरख्वास्त करूँगा कि जनाब काशिफ साहब से कि मुझे वो जुमला याद आ रहा है मौलाना के प्रोग्राम अपने वक्त से करें और सोसानी चाहे बाद में हो तो आज उस गुफ्तगु को मैं कम्प्लिश कर रहा हूँ कि सारा प्रोग्राम हो गया है मगर जिक्र हुसैन के बगैर हमारी कोई मजलिस महफिल
पूरी नहीं होती। मैं काशिश सलामाओं से दरख्वास्त करूंगा जो अदारे तरवीज सोसानी मर्सिया नॉर्थ अमेरिका में से मुंसलिक हैं कि वो अपनी मुख्तसर से वक्त में एक सोज और सलाम जो भी मर्सिया के चंद पेश करना चाहें और उसके बाद ही हम इस प्रोग्राम के अख्ताम पे पहुंचेंगे इंशाल्लाह। उस वक्त तक हमें उम्मीद है कि डॉक्टर आयतुल्ला मौलाना डॉक्टर सखावत संदर आलवी साहब भी तशरीफ ला चुके होंगे और उस वक्त हम प्रोग्राम को खत्म कर देंगे। काशिफ मियां माइक आपके पास। जी रिजवी साहब मौलाना जैदी साहब इजाजत। इरशाद बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जिस आका की हुजूरी हो जिसे दुनिया के गमोरन जिसे صل على مجلس پر نور حسین اے صل على مجلس پر نور حسین ارے ناری بھی یہاں آئے تو نوری ہو جس آقا صلی اللہ علی محمد و آل محمد صلی اللہ علی محمد ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ تھا اللہ مقام مرزا دبیر کا قطع تو میں پیش کر رہا ہوں سلام جیسے کہ نقوی صاحب نے کہا ہے ابھی مسالمے میں ابھی ترہی مسالمہ کچھ عرصہ پہلے ہوا تھا اس میں ایک مصرع دیا گیا تھا کہ وہ ایک سفر جو مدینے سے کربلا کا ہے اگر اجازت ہو تو اس سلام کے چند اشعار سنا دیں مطلب دیکھیے گا کہ یہ ہم پا خاص کرم بنت مصطفیٰ کا ہے یہ ہم پا خاص کرم بنت مصطفیٰ کا ہے ارے ہمارے سر پہ علم کبا وفا
रास्ता है ये हम पखास करम बिन जो मुर्तजा का गदा हो वो मुस्तफा का है। अरे जो मुस्तफा का हुआ फिर वो किबरिया का है। ये हम खास करम पे शेर देखिएगा कि हयात काटी है शह के आलम के साए में। टीवी प्यार है सर, हयात काटी है शह के आलम के साए में। मजा अलग ही फरेरे किए हवा का है। मजा अलग ही फरेरे किए हवा का है। ये हम पखास करम पे शेर देखिएगा कि लबों पचारी हुआ जिक्र हजरत अब्बास, लबों पचारी हुआ जिक्र हजरत अब्बास। अरे जो हमसे पूछा कि क्या तर्जुमा वफा का है। अरे जो हमसे पूछा कि क्या तर्जुमा वफा का है। सलाम मर्सिया नोहा मज लिसो मातम। अरे शरफ मेरे लिए गोशा हर एक अजा है। ये हम पखास करम बिन शेर देखिएगा के समझ के जाइयो कासिम से जंग को अर्ज़ाक, समझ के जाइयो कासिम से जंग को अर्ज़ाक। अरे पिसर हसन का है पोता ये मुर्तज़ा का है। फिसर हसन का है पोता ये मुर्तजा का है। ये हम पर खास करम बिन आखिरी शेर और फिर मक्ता और यहाँ गिरा लगाइए देखिएगा कि सफर में शाम के ज़ैनब को याद आता रहा, सफर में शाम के ज़ैनब को याद आता रहा। वो एक सफर जो मदीने से कर बला का, सफर में शाम के ज़ैनब को याद आता रहा। वो एक सफर जो मदीने से कर बला का है। मख्तार से
के फना के मारों को काश जरा बुला लीजिए, फना के मारों को काश जरा बुला लीजिए। रहे हुस्न ही रस्ता है जो बका का, रहे हुसैन ही रस्ता है जो बका का है। ये हम पर खास करम बिनते मुस्तफा का है, हमारे सर पे अलम एक बावफा का है। माशाल्लाह माशाल्लाह, खास करम बिनते, बस प्रोग्राम इख्तिताम पे पहुंच चुका है। चंद अशार पेश खिदमत है। इशाद इशारे कब्र से होगी अमाजमी के तले, इशारे कब्र से होगी अमाजमी के तले, मदद करेंगे इमामे जमा जमी के तले, वाह वाह मदद करेंगे इमामे जमा जमी के तले। उठा जो सोजिश दिल का धुआं जमी के तले, उठा जो सोजिश दिल का धुआं जमी के तले, नजर पड़ा मुझे एक आसमां जमी के तले, हाय 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 नजर पड़ा मुझे एक आसमां जमी के तले, जफाए चरख से कुछ कम नहीं फिशार लहर, जफाए चरख से कुछ कम नहीं फिशार लहर, बशर के वास्ते है आसमां जमी के तले, बशर के वास्ते है आसमां जमी के तले, बवक्त जरबत है दर ये गुलता गर्दों पर, तवज्जो तालिब, बवक्त जरबत है दर ये गुलता गर्दों पर, मिले अमा तो पुत छुपे आसमां, ले अमा तो छुपे आसमां जमी के तले, न होगा कब्र में अपना रफीक और कोई, न होगा कब्र में अपना रफीक और कोई, रहेगा साथ गमे हम रहा जमी के तले, रहेगा साथ गमे हम रहा जमी के तले,
जहाँ से कूच है मदाहे शाहे वाला का, जहाँ से कूच है मदाहे शाहे वाला का, बना रहे हैं फरिश्ते जीना जमी के तले, मोहम्मदो अलियो फातमा हुसैनो हसन, मोहम्मदो अलियो फातमा हुसैनो हसन, मिले हैं मुझको अजब मेरे बा जमी के तले, मुझको अजब मेरे बा जमी के तले, और मियां ने कब्र भी सीधी हुई न पीठ मेरी, मियां ने कब्र भी सीधी हुई न पीठ मेरी, गा रहा मैं बशकले कमा जमी के तले, कर रहा मैं बशकले कमा जमीन के तले, फौज तेरा किसको है जमीन सुखन, दिखाऊं फौज तेरा किसको है जमीन सुखन, नहीं दे पाई है तेरे जमीन के तले, सुकूने कल्बे रिसालत है मजलिसो मातम, ये करबला की अलामत है मजलिसो मातम, यही हुसैन की नुसरत है मजलिसो मातम, ये जिक्र फातिमा जहरा के दिल का उनवा है, नजात का इसी फर्श अजाब है सामा है। मैं दरख्वास्त करूंगा आयतुल्ला अल्लामा डॉक्टर सखावत हुसैन सदर अलवी साहब से कि वो तशरीफ लाएं और मजलिस अज़ा से खिताब करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सलामुन अलैकुम जमीअन व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعظم الله أجوركم وأجورنا. برادرانو خواہران ایمانی، آج ہم ایک عالم با عمل وحدت اسلامی کے علم بردار جہالت اور غربت کے خاتمے کے داعی حوزہ اور دانشگاہ یعنی مدارس علمیہ اور یونیورسٹی کو ایک جگہ کرنے والے ایک بہت بڑے ریفارمر ریسرچ اسکالر سید بزرگوار زاہد دوران حجت الاسلام حضرت مولانا علامہ سید قلب صادق نقوی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کے ارتحال پر، رحلت پر، وصال پر، ہم سے جدا ہونے پر حزین انداز میں اس فورم میں موجود ہیں۔ سب سے پہلے تو میں بہت ہی محترم برادر بزرگ الحاج سید احتشام حیدر نقوی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور حجت الاسلام مولانا علامہ محمد حسین زہری صاحب قبلہ کی میں نے زیارت کی ہے، ان کا بھی شکریہ تشریف فرمانے کا، اور دیگر بھی جو ابھی ہمارے عزیز پڑھ رہے تھے بہت خوبصورت پڑھا۔ معذرت بھی چاہتا ہوں کہ تھوڑی سی کچھ کنفیوژن ہو گئی تھی وقت کی، جس وجہ سے دیر آپ کی خدمت میں دیر سے حاضری ہوئی۔ اطالہ کلام نہیں کروں گا میں، قبلہ و کعبہ مرحوم
سے جن وجوہات سے متاثر تھا ان میں سر فہرست یہ ہے کہ وہ اتنے بڑے باپ کے بڑے بیٹے ہونے کے باوجود انتہائی متواضع تھے, انتہائی منکسر المزاج تھے, ڈاؤن ٹو ارتھ تھے, اور انہوں نے ساری زندگی خدمت دین بے لوس انداز میں کی. مجھے ان کا ایک جملہ فراموش نہیں ہوتا. میں نے زندگی میں دو مجالس سنی جن سے انہوں نے خطاب فرمایا, اور وہ جملہ مولا کائنات کا, لو تمثل لی الفقر لقتلت ولو تمثل لی الجاہل لقتلت, یعنی اگر میرے سامنے فقر آئے پیکر بشری میں تو میں اسے قتل کر دوں گا, جہالت آئے تو میں اسے قتل کر دوں گا. جناب قبلہ و کعبہ کا نعرہ صرف نعرے کی حد تک نہ تھا, سلوگن کے ساتھ پریکٹس بھی تھی. انہوں نے ماشاءاللہ کالجز قائم کیے, میڈیکل اسکولز قائم کیے, انہوں نے اسکالرشپ دیے طلبا کو. میں ان ڈاکٹر سے ملا ہوں, آئی ٹی ایکسپرٹ سے ملا ہوں, جو انتہائی غریب خاندانوں سے تعلق رکھتے تھے مگر قبلہ بزرگوار کی طرف سے اسکالرشپ کی وجہ سے وہ ہائی پروفیشن میں آئے اور پروفیشنل بنے. قبلہ کا ایک اور انداز جو بہت ہی ہم سب کے لیے ایک گائیڈنگ اور لیڈنگ کی حیثیت رکھتا ہے کہ جب وہ خطاب فرماتے تھے تو انہوں نے کبھی مجمع کا خیال نہیں رکھا. عموماً خطبہ اپنے خطابات میں اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ مجمع کس چیز سے خوش ہوتا ہے اور مجمع کس چیز سے ناراض ہوتا ہے. جس زمانے میں میں قم سے کراچی آتا تھا تو خالق دینہ حال وغیرہ میں قبلہ کی تقاریر ہوتی تھی. مجھے یاد ہے کہ کئی کئی میل تک لوگ گاڑیوں میں بیٹھ کر قبلہ کی تقاریر کو سنا کرتے تھے, مگر انہوں نے کبھی بھی مجمع کے لیے نہیں پڑھا, اللہ کے لیے پڑھا, محمد و آل محمد کے لیے پڑھا. اور اتنا خوبصورت ان کا انداز تھا کہ قدیم علوم کو جدید علوم کے ساتھ ملا کے وہ پڑھتے تھے. یعنی اگر میں یہ کہوں کہ وہ ایک بہترین عالم دین اور بہترین سائنٹسٹ تھے تو یہ بعید نہ ہوگا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, جزاک اللہ. ان کے جنازے میں میں نے محسوس کیا کہ بہت بڑا جنازہ تھا, اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ احادیث میں آتا ہے اگر کوئی شخص ایک کنواں کھود کے چلا جائے, ایک پائپ لگا کے چلا جائے, مرادی مانا کر رہا ہوں, ایک درخت لگا کے چلا جائے, جب تک لوگ استفادہ کریں گے تو اس کے نام اعمال میں ثواب جائے گا. یہ بہت بڑی اعزاز کی بات ہے کہ ان کا جنازہ یونٹی کالج میں ہوا, اور اتنا بڑا کالج کے اتنا بڑا مجمع اس میں سما گئے. یہ بہت بڑا اعزاز ہے قبلہ و کعبہ کا. ہم سب کو بھی چاہیے کہ جو پروجیکٹس وہ چھوڑ گئے ہیں ان کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے ہم بھی کوشاں رہیں. ویسے تو میں ہندوستانی علماء اور طلبہ سے بہت امپریس ہوں, کیونکہ کافی میرے بزرگ بھی ہیں وہاں, کافی میرے شاگرد بھی ہیں, میرے عزیز بھی ہیں, لگ بھگ کوئی 125 سے زیادہ میرے شاگرد ہیں ہندوستان سے جو بڑے لائق اور فائق تھے قوم میں, اور میرے بزرگوں کی تعداد بھی بہت بڑی ہے. یہ خاندان اجتہاد خود ایک بہت بڑا خاندان ہے, ان کے خاندان میں بڑے مجتہدین گزرے ہیں. مجھے یاد ہے جب میں قم میں تھا اور نجف میں بھی میں امتحان دینے گیا تھا آیت اللہ کلانتر کے پاس, تو پہلا سوال مجھ سے یہ کیا آیت اللہ کلانتر نے کہ شما ہندی ہستی. آگے آیت اللہ علیہ عثمان شہاب الدین مراشی نجفی نے مجھ سے سوال کیا کہ شما ہندی ہستی, یعنی علماء ہند کا اتنا مقام تھا. اب دیکھیں صاحب ابقات کو دیکھ لیں مثال کے طور پر, کہ کتنا بڑا اعزاز انہوں نے حاصل کیا, اور خود خاندان اجتہاد میں کتنے درخشاں فقاہت کے ستارے تھے.
इनके साथ मेरी बहुत कम मुलाकातें रही, मगर जो रही वो इतनी इम्प्रेसिव थी। ये कैलिफोर्निया में तशरीफ फरमा थे, अब्बास अली खान के घर ठहरे हुए थे और मैं किबला को मिलने गया, तो आप हैरान होंगे कि तकरीबन कोई 200 कदम तक बगैर जूते के, बगैर जूता पहने हुए वो तशरीफ लाए और गाड़ी तक मुझे खुदा हाफिज किया। तो अब्बास अली खान ने पूछा इनसे कि आप बगैर जूते के आए हैं, तो कहने लगे ये क्योंकि कुम के अफाजल में से है तो ये कुम के हौजे का एहतराम है जो मैंने किया। यानी मैं इतना मुतासर हुआ हूँ उनके इस एक एक्शन से। मैं अगर ये कहूँ कि मैं उनके मुरीदों में एक मुरीद था तो कोई मुबालगा नहीं होगा। इसी तरह इनके बड़े भाई हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना कल्ब आबिद साहब किबला, एक रोज मैं कुम में जब पढ़ाता था मदरसा फैजिया में, तो मैंने देखा, फैजिया में ही मेरा कमरा भी था, मैंने देखा कि एक बुजुर्गवार वहां खड़े हैं, तो किसी के इंतजार में मैंने पहले फारसी में फिर अरबी में पूछा, तो उन्होंने जवाब दिया कि मैं फुला आलिम दीन के इंतजार में हूं। तो मैं उनको अपने कमरे में ले आया, जब पता चला कि लखनऊ से हैं, तो एक शब उन्होंने मेरे साथ ही गुजारी, वो रूममेट रहे। मुझे अच्छी तरह याद है कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझसे भी चंद मिनट पहले वो तहज्जुद के लिए उठे और उन बुजुर्गवार ने तहज्जुद की नमाज अदा की। बाद में पता चला कि वो अल्लामा कल्बे हुसैन साहब किबला नकवी, जिन्हें हम अल्लामा कब्बन के नाम से पुकारते हैं, वो उनके फरजंदे अकबर थे। इसी तरह मेरे अजीज हुज्जतुल इस्लाम मौलाना कल्बे जवाद सल्लमहू भी उस जमाने में तशरीफ लाए थे कुम में, और इसी तरीके से इनके मौलाना के जो भांजे हैं हुज्जतुल इस्लाम मौलाना जफर हसन नकवी सल्लमहू, ये भी उस जमाने में तशरीफ लाए थे। ये भी बड़े नेक उलमा हैं, दोनों बड़े नेक उलमा हैं। इनके खानवादे में मैंने बहुत नेकी पाई है, बहुत तकवा पाया है, बहुत जोहद पाया है। और किबला की एक जो सिफत हम सब में होनी चाहिए कि वो बड़े गरीब परवर थे, जैसे अभी अर्ज किया है, वो जहां जाते वहां के मकामी आलिम का एहतराम अपने फराइज में समझते थे। मुझे उन्होंने खुद बताया कि मैं जिस इदारे में गया हूँ सबसे पहले मैं ये पूछता हूँ कि मौलाना कहाँ रहते हैं, मैं सबसे पहले मौलाना के यहाँ ठहरूंगा और मौलाना का मैं मेहमान हूँ। ये खुद एक शफकत है छोटे तालिबे इल्मों पर, छोटे खुदाम दीन पर। बहरहाल मैं अगर घंटों गुफ्तगू करता रहूं तो उनकी वो खूबियां नहीं गिनवा सकता जो मैंने मुलाकातों के दौरान। एक दफा डॉक्टर मंजूर नकी रिजवी साहब जो हमारे तशरीफ फरमा है नॉर्थ जर्सी में, जो मैसेज ऑफ पीस के भी और जो मुस्लिम फाउंडेशन है उसके भी सरबराहों में शुमार होते हैं, उनके दौलत खाने पर मुलाकात हुई। उनका तवाज़ो, उनकी हम्बलनेस, उनकी शफकत, उनका प्यार मैं कभी फरामोश नहीं कर सकूंगा। हमेशा वो अपने से छोटे तालिबे इल्मों पर, यानी मुझ जैसे छोटे तालिबे इल्मों पर बड़े शफीक थे। बहरहाल हमारे एक सरपरस्त, हमारे एक बुजुर्गवार, हमारे एक गार्डियन हमारे पास से रुख्सत हो गए हैं। मुझे याद है अलहाज इस्तफा नकवी साहब गए थे, उन्होंने तस्वीरें मुझे कल भेजी है, देखा कि अस्पताल में थे तो वो उनका बोसा ले रहे थे पेशानी का। बहरहाल अल्लामा मौलाना कल्ब सादिक नकवी बिल्कुल इस जुमले के, बल्कि इस शेर के मिसदाक हैं कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदा भर पैदा। इज़ा मात अल आलिम सलम फिल इस्लाम सलम ला यसुतु इला यौम अल क़ियामा इन्ना माशाअल्लाह मिन इबादिहिल मैं जितनी आयतें पढ़ूं, जितनी हदीसें पढ़ूं, मैं सिर्फ यही कह के आपसे इजाजत चाहूंगा कि मैं शुक्रगुजार हूं अलहाज एहतशाम हैदर नकवी साहब का, जिन्होंने मुझे मौका दिया है कि मैं मरहूम के फर्जंदान से मेरा ज्यादा तारुफ नहीं, ताहम मैंने उनकी खिदमत में ताज़ियत इरसाल कर दी थी। इंशाल्लाह एक बेहतरीन कालम भी लिखूंगा, एक आर्टिकल लिखूंगा जो मुझ तक उनका खैर पहुंचा है। और खुद कुम में भी तशरीफ लाए थे किबला, मैंने जिन उलमा की ज़ियारत कुम में भी की है
उनमें भी हमारे किबला शामिल है। अल्लाह ताला करवट करवट किबला अल्लामा मौलाना कल्ब सादिक साहब नकवी को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम दे, उनके अजदाद अतहार के पहलू में उन्हें जगह अता फरमाए, और अल्लाह हम सबको बल्कि हर खतीब को हर मिंबर हुसैनी के खादिम को अल्लाह ये तौफीक दे कि वो मजमे के लिए न पढ़े बल्कि अल्लाह रसूल और अहले बैत के लिए पढ़े। उनका हदफ रिफॉर्मेशन हो, किबला का ये जुमला मैं कभी भूलूंगा नहीं, इन्फॉर्मेशन और रिफॉर्मेशन, वो वाकई इसका संगम थे। अल्लाह ताला आपको भी अजर दे, जजा दे, आपके बुजुर्गों के दर्जात भी बुलंद हों। मौला सिकंदर हुसैन साहब किबला भी हमारे डॉक्टर अजहर साहब के और किबला जैदी साहब के वालिद बुजुर्गवार ने भी बड़ा वहाँ काम किया है। मौला हमीद हुसैन साहब किबला ने भी, मौला शमीम साहब ने भी बड़ा काम किया है लखनऊ के, खास तौर पे जो उलमा है वो फरमा आपके मकबरे में किबला की तकफीन हुई है। इंशाल्लाह खुदा मौका दे तो उन मुनवर जगहों को भी जाके चूमेंगे और किबला की कब्र का भी बोसा लेंगे। वाकई वो हमारे लिए आइकॉन थे, रोल मॉडल थे। अल्लाह करीम हम सबको उनके रास्ते पर चलने की तौफीक दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू। अलैकुम सलाम व रहमतुल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर अल जज़ा। जज़ाकल्लाह शुक्रिया। जज़ाकल्लाह खैर। नाज़रीन आप वतन से दूर हम वतनों के साथ प्रोग्राम याद रफ्तगान जो कि खुसूसी तौर से खराज अकीदत के लिए जनाब कल्ब सादिक साहब मरहूम के लिए मुनक्किद किया गया। अब मैं आखिर में यूनाइटेड किंगडम से मौलाना सैयद जफर अब्बास नकवी साहब से गुजारिश करूंगा कि वो इख्तिताम के लिए दुआया कलमात से, चूंकि वो भी मौजूद हैं और इस वक्त वहाँ रात हो चुकी है और प्रोग्राम को अब हमारे आखिरी मरहले पे शामिल कर चुके हैं। मैं ज़रूरी समझता हूँ कि अपनी फैमिली की तरफ से, मिल्लत जाफरिया अमरीका के कम्यूनिटी की तरफ से, उन तमाम अज़ा खानों की तरफ से खानवादे का शुक्रिया अदा करूं कि उन्होंने यकीनन जब किसी के घर में मौत होती है तो वो उसके पास टाइम नहीं होता, मगर उन्होंने मेरी ये 24 घंटे की ख्वाहिश पर जनाब तिबला जैदी साहब के ताउन से हमारे साथ शिरकत की। दिल मेरा अजल ही से मखमूर मुवद्दत है, दिल मेरा अजल ही से मखमूर मुवद्दत है, ये खास मेरे रब की बख्शी हुई दौलत है। कांटों को अलग करके कुछ फूल चुने हमने, कांटों को अलग करके कुछ फूल चुने हमने, इस बात से दुनिया को भरपूर अदावत है। मैं दरख्वास्त गुजार हूँ कि जनाब सैयद जफर अब्बास नकवी साहब जो मेरे फैमिली मेंबर हैं, अजीज हैं, और मौलाना मुंतज़र अब्बास साहब के भी वो भतीजे होते हैं, और ज़मीर अख्तर साहब के भी हैं, अभी हाल ही में ज़मीर अख्तर साहब इंतकाल हुआ। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि इस आखिरी लम्हात में कौम की तरफ से कनाडा यूके के आज़ादारा ने इमाम मज़लूम और सुबान ने इमाम मज़लूम और इस खानवादे को दुआई कलमात के साथ और ज़ियारत के साथ इस प्रोग्राम के अख्तिताम करें। जनाब सैयद जफर अब्बास नकवी। मैं नहायत शुक्रगुजार हूँ जनाब एहतशाम नकवी साहब का कि उन्होंने मुझे इस प्रोग्राम में शिरकत की सआदत बख्शी। बुजुर्गवार उलमाए किराम खिताब कर चुके हैं और मेरा कुछ कहना इस लम्हे पर मंजिल पर बनता तो नहीं है, लेकिन मैं चूँकि एक और मजलिस में था इस वजह से ताखीर हुई शिरकत की। बहरहाल मैं चंद लम्हों में, सबसे पहले तो क़िबला काबा अल्लामा डॉक्टर कल्ब सादिक साहब के खानवादे और उनके अजीज रिश्तेदार और तमाम तर उनके करीबी अफराद को ताज़ियत पेश करता हूँ, और इतना मुख्तसरन एक दो मिनट आपके लेते हुए अर्ज़ करना चाहूँगा कि जैसा कि बयान किया जा चुका कि उन्होंने एजुकेशन और एजुकेशन में एक्सेलेंस के उनवान से
اپنے پورے حیات تقاریر کی اور اس پر عملی کام بھی کرتے رہے. میرے لیے یہ سعادت ہے اور آپ کے ساتھ یہ بات شیئر کر رہا ہوں کہ میں جب 4 ہفتے کا تھا تو سب سے پہلی میں نے تقریر بھی مرحوم علامہ ڈاکٹر قلب صادق صاحب کی سماعت کی تھی, اور اس کے بعد سینکڑوں تقریریں یقیناً ان کی سنی ہوں گی. آپ لوگوں کے لیے ہو سکتا ہے کہ یہ بات اور اضافی ہو کہ جہاں تک میرا اندازہ ہے مسلسل تبلیغ دین کے لیے حوالے سے آنے والے خطبہ میں سب سے طولانی عرصہ یو کے میں جناب مرحوم علامہ ڈاکٹر قلب صادق صاحب کا تھا کہ جو تقریباً 45 سال مسلسل یو کے میں کسی نہ کسی وقت, چاہے وہ ایام اذاں ہو یا ماہ مبارک ہو یا دوسرے ایام ہو سال میں, مسلسل 45 سال وہ تبلیغ دین کے لیے یو کے میں تشریف لاتے رہے, اور ان کا ایک ہی پیغام ہوتا تھا اور وہ تعلیم سے متعلق, وہ فقر اور جہالت کو مٹانے سے متعلق اور تعلیم کے اندر ایکسلنس حاصل کرنے کے لیے رہتا تھا. میں قبلہ علامہ سخاوت حسین صاحب حفظ اللہ نے جو بات کی ہے اس کی تائید کرتے ہوئے یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ ان کی خصوصیات میں سے بہرحال یہ خصوصیت تھی کہ وہ چھوٹوں کے ساتھ شفقت کرنے کے ساتھ ساتھ میں بہت زیادہ احترام بھی کرتے تھے, خاص طور سے طلبہ حضرات کا. میں ظاہر ہے کہ قبلہ مرحوم کے پوتوں کے عمر کا ہوں, لیکن اس کے باوجود وہ میرا بہت زیادہ احترام کرتے تھے. یہ ان کی خوبی ہے, میری خوبی نہیں ہے. اور بہرحال یہ کہ وہ تمام تر طلبہ کا, خدمت گزاران دین کا بہت زیادہ احترام کرتے تھے اور دوسروں کو بھی احترام پر راغب کراتے تھے, تو اس حوالے سے ظاہر ہے کہ یہ ایک خصوصیت تھی. ایک اور بات آخر میں عرض کرنا چاہوں گا اور اس کے بعد پھر دعا کرتے ہیں اور پھر اختتام و زیارت انشاءاللہ, اور وہ یہ ہے کہ ان کا منفرد انداز خطابت کا جو تھا, اور اس منفرد انداز میں وہ فضائل پر داد بھی لیتے تھے, مصائب میں لوگوں کو رلاتے بھی تھے, اور گفتگو وہ جو ہے وہ عام فہم انداز میں کرتے تھے کہ چھوٹے بھی ان کی بات کو آسانی سے سمجھ لیں. زیادہ کوئی ایسی یا مشکل بات کو بھی بہت آسانی سے اور بخوبی انداز سے ایکسپلین اور سمجھاتے تھے. مجھے آج تک یاد ہے, میں شاید 9 یا 10 سال کا تھا جب میں نے ان سے یہ پہلی دفعہ سنا کہ دین اور مذہب میں کیا فرق ہوتا ہے, اور کس خوبصورت انداز میں انہوں نے یہ سمجھایا تھا کہ دین اللہ کی طرف سے ہمیشہ ایک ہی ہوتا ہے, مذہب بدلتے رہتے ہیں, دین اللہ کا بنایا ہوا ہے, مذہب لوگوں کے بنائے ہوئے ہیں. اور اس انداز سے وہ ہمیشہ تعلیم کے اوپر اور اتحاد کے اوپر جو ہے وہ زور دیتے تھے, اور نہ صرف زور دیتے تھے بلکہ اسے عملی کر کے انہوں نے دکھایا اور بیان کیا. میں خداوند کریم کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بحق محمد و آل محمد, بحق سید الشہداء کے جن کی خدمت انہوں نے 60 سال سے زیادہ عرصہ منبر حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے کی, ان کے اس کے توسط سے ان کے درجات جو کہ یقیناً عالی ہیں مزید عالی اور منور فرما, اور ان کے پسماندگان کو صبر جمیل مرحمت فرما, اور ہمیں یہ توفیق دے کہ ان کے جو نصیحت, ان کے جو سیرت, ان کے جو اخلاق, ان کا جو کردار ہے اسے باقی طلبہ علماء اور خطبہ بھی اپنانے کی کوشش کریں انشاءاللہ تعالی. میں
نہایت ممنون ہوں تمام ہمارے بزرگان کا, بالخصوص جناب احتشام حیدر نقوی صاحب کا, کہ جنہوں نے یہ سعادت بخشی اور مجھے بھی یہ موقع عنایت فرمایا کہ میں بھی قبلہ کی خدمت میں کچھ کلمات عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں. متوجہ زیارت, السلام علیکم یا رسول اللہ, السلام علیکم یا نبی اللہ, السلام علیکم یا امیر المؤمنین, السلام علیکم یا سید النساء العالمین, السلام علیکم حسن المجتبیٰ, السلام علیکم مولا یا عبد اللہ والارواح التي حلت بفنائك, علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی الليل والنهار, ولا جعل الله آخر العهد مني لزيارتكم, السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا غريب الغرباء بعيد المدى السلطان بن حسن علي بن موسى الرضا وعلى اختك فاطمة المعصومة ورحمة الله وبركاته. السلام عليك صاحب العصر والزمان سيدي الامان 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 من فتن الزمان, السلام عليك حجة المنان, السلام عليك قام الكفر والطغيان, اجر الله تعالى فرجك وسهل الله مخرجك وظهورك وجعلنا من اعوانك وانصارك. السلام عليكم يا اهل بيت النبوة ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم, اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه. تمام ناظرین کا بہت بہت شکریہ, اور اس پورے پروگرام سے جو ہم نے اخذ کیا ہے وہ یہ ہے کہ جناب مرحوم قلب صادق صاحب کے لیگیسی کو ہمیں برقرار رکھنی ہے, اور اس کے لیے ایجوکیشن جسٹس جب تک نہیں ہوگی اس میں پیس, گلوبل پیس نہیں آ سکتا, اور انٹر فیتھ کے ساتھ ساتھ جو ایک بہت بڑا رجحان ہے پورے بین الاقوامی لیول کے اوپر, میں سمجھتا ہوں ملت جعفریہ کے اندر انٹرا فیتھ کی بھی ضرورت ہے. آپس میں ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا پڑے گا اور عفو درگزر کرنا پڑے گا, اس لیے کہ جب تک ہم ایک قوم کے حصے سے پہچانے نہیں جائیں گے جب تک ہمارے ساتھ یہ پرابلم ہوتی رہیں گے. آخر میں میں بہت ممنون ہوں ونس اگین جناب نجم الحسن رضوی صاحب کا, جناب خورشید رضا صاحب کا, اور ان کے بیٹے جناب قلب سبتین اور قلب ہادی میرا خیال ہے, ان سب کا کہ انہوں نے اس میں پروگرام میں شرکت کی. اور جو میسج ابھی مجھے اس وقت نجم الحسن صاحب نے بھیجا ہے, میری ذمہ داری کہ میں پڑھ کے تمام ناظرین کو سنا دوں اور اس کو پوسٹ بھی کروں گا. آن بہاف آف آل ممبرس آف فیملی اینڈ مسز قلب صادق, آئی کنوے اور سنسیئر گریٹیوڈ, تھینک یو ونس اگین. And he mentioned my name, respected Shyam Sahab, but I will not take the full granted because this is belongs to the community. So all the respected community and intellectual charged program in which very learned personalities participated with their knowledgeable discourse, kalam, and kind words. Once again, Watan Se Dur, Hum Watanon Ke Saath, Yaad Raftagan ka program, khususi nashriyat, جس میں ڈاکٹر قلب صادق صاحب کو خراج عقیدت پیش کی گئی, اختتام پہ پہنچ چکا ہے, اور ہم ممنون ہیں اپنے تمام ویور سے. اور یہ پروگرام یوٹیوب پہ براہ راست مستقل چل رہا تھا, آپ کو اگر ڈاؤن لوڈ کرنا ہے تو یوٹیوب پہ میرے چینل پہ سید احتشام نقوی لکھیں, یوٹیوب آ جائے گا, اس پہ سے آپ یہ لے سکتے ہیں. اس پروگرام میں تعاون کیا ہے سارک ٹی وی, حیدر ٹی وی اور المہدی ٹی وی نے. میں تمام کمیونٹی کی جانب سے ان کا بھی مشکور ہوں. والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ احتشام بھائی, تھینک یو ویری مچ, جزاک اللہ.